चलो शुक्र है। अच्छा, यूएसए हिस्ट्री जो है कि मैंने पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज यूएसए हिस्ट्री, ठीक है। इसका यूएसए हिस्ट्री की जो मतलब एंटायरिटी है, या मतलब यूएसए हिस्ट्री किस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है ना एज ए सब्जेक्ट, वो यही है कि कैसे यूएसए हिस्ट्री जो है एक कॉलोनी हुआ करती थी और आज तक के दौर तक मतलब कैसे वो एक सुपर पावर बन गई है, ठीक है ना। मतलब वो जो एक एंटायरिटी जो है, या दो जो उसके वो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो यूएसए हिस्ट्री का है ना, वो दो तो ये हैं। और इसके दरमियान जो कुछ भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, मतलब यूएसए हिस्ट्री कैसे शेप हुई है ओवर द ईयर्स, इनकी क्या हिस्ट्री है जो इनको इस मकाम तक लेकर आई है, ठीक है। कैसे कॉलोनी से एक स्टेट बने हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, इनके प्रेसिडेंट्स का क्या रोल रहा है, ठीक है। इनकी सोसाइटी कैसे इवॉल्व की, उसने कैसे ट्रांसफॉर्म की है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके ग्रेट डिप्रेशन मतलब ये जो मेन मेन इवेंट्स इसके अंदर हुए हुए हैं, ये मतलब एक क्या कहते हैं, अगर किसी को भी ऐसे यूएसए हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो वो यही है कि मतलब कैसे एक यूएसए हिस्ट्री एक यूरोपियन कॉलोनी हुआ करती थी और आज कैसे वो एक इतनी बड़ी सुपर पावर या इकोनॉमिक पावर बन गई है। तो इस दरमियान, इस सारे पीरियड के दरमियान, ये 15th सेंचुरी से लेके अभी तक का जो टाइम है, मतलब इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उसमें किस किस बंदे का क्या किरदार था, और कैसे इन होल जो है अमेरिका ने ट्रांसफॉर्म किए, इतने बड़े मतलब डेमोक्रेसी का चैंपियन बन गया है, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके हाथ में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये यूएसए हिस्ट्री के इर्द गिर्द जो है ना, मतलब ये जो जो उसका वो एक इन अ नटशेल जो है यूएसए हिस्ट्री तो यही है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। फिर बात आती है कि सीएसएस में हमें यूएसए हिस्ट्री की किस तरह तैयारी करनी चाहिए, या जो डिमांड ऑफ द एग्जामिनर होती है वो क्या होती है सीएसएस के पेपर के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी और मैंने भी बहुत बारी बात सुनी है कि यूएसए हिस्ट्री का जो पेपर है वो थोड़ा अनसेफ है। अनसेफ इस तरह है कि लोग कहते हैं ये हिट हो जाता है, ठीक है, कोई कहते हैं पिट गया, ये हो गया, वो हो गया, सही है ना। अब इसकी ये इस तरह क्यों होता है, अक्सर ये इस तरह होता है क्योंकि हम यूएसए हिस्ट्री को बहुत ज्यादा मतलब इजी सब्जेक्ट है, तो इसको हम थोड़ा लाइट भी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको लाइट लेने की वजह से ये होता है हम इसकी तैयारी ठीक से नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे उसने हिट होना हो या ना होना हो, आपने उसकी तैयारी बिल्कुल ठीक तरीके से की हो ना, तो चाहे वो हिट हो भी जाए ना, तो आपको बड़ा मिनिमम डैमेज होगा, ठीक है। तो डिमांड ऑफ द एग्जामिनर यही है कि जब वो आपका पेपर उठा के देखे तो उसको ये पता चले कि इसने यूएसए हिस्ट्री को उतना ही टाइम दिया है, या यूएसए हिस्ट्री के साथ उतनी ही मेहनत की है जितनी के इसने किसी और सब्जेक्ट के साथ की होगी जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। जब वो आपका पेपर उठाए तो उसको ये ना लगे कि मतलब इसने यूएसए हिस्ट्री के साथ ऐसी मजाक किया हुआ है, गपशप लगाई हुई है, इसको बड़ा ईजी लिया हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, ये वो ये देखेगा कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने सही से एड्रेस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये डिमांड ऑफ द एग्जामिनर और ये हाउ टू स्टडी, ये दोनों बातें जो है जरा आप एक साथ ले लें, ठीक है। अब उसका असल में सीएसएस में बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो कि एक ही टॉपिक से आए हों, ठीक है ना, और ज्यादा मोस्टली जो यूएसए हिस्ट्री का है, ठीक है। ये हमेशा आपको दो या तीन पर्सपेक्टिव को मिला के वो है वो आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर सवाल आ रहा है तो उस वक्त के जो प्रेजिडेंट थे हूवर, उसके साथ भी इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हुई है ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1937 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 1945 में, फिर 1944 में, और ये उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो हो सकता है वो आपको कोई ऐसा सवाल देना जिसमें दो तीन एस्पेक्ट्स जो है ये एक ही सवाल में उसने दिए हों कि ग्रेट डिप्रेशन आया किस वजह से आया था, हूवर ने क्या ऐसे इकदाम लिए हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए थे उसने कि उसने मतलब मिडिकेट किया इसके जो इफेक्ट था, और फिर इसका जो है वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर मतलब फिर क्या इफेक्ट रहा है। तो मतलब ये देखते हैं ये दो तीन चीजों को मिला के वो एक सवाल कर रहा है। अगर अब आपने एक सवाल बना रहे, अगर अब आपने जो है सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा हुआ है, हूवर या वर्ल्ड वॉर 2 नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो फिर आप उस सवाल को ठीक तरीके से वो नहीं कर सकेंगे, उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी कोई इवेंट हुआ हो ना, तो उसके आगे और पीछे का आपको थोड़ा पता हो, ठीक है।
और दूसरा आपको ये पता हो, मतलब आप उसको सही तरीके से आंसर कर सके। इसलिए अब जो है ना, हाउ टू स्टडी, आवाज आ रही है मेरी? सारे सुन रहे हो ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है जी सर। ठीक है, वो समझ आ रही है मेरी बातों की कि नहीं, मतलब मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, समझ आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा समझ आ रही ठीक, है सर। ठीक अगर किसी कहीं पे भी समझ ना आ रही हो ना, तो फिर आप लोग मुझे जरूर बीच में थोड़ा रोक लें कि सर हमें इस बात की समझ ही नहीं आई। क्योंकि अगर यहाँ पे भी आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी, आप लोगों का माइंड क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर पूरे कोर्स में फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो जहाँ पे भी कोई आपको ऐसा लगे कि आपको ये बात की समझ नहीं आई है या सर के ऊपर से गुजर गई, तो जरा मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना? अच्छा, तो हाउ टू स्टडी। अच्छा, जी सर। अब मेरी अप्रोच ये थी ना, मेरे पास थे तकरीबन 7 मंथ्स तैयारी के लिए। उसमें मैंने क्या किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह, आप लोग अभी इससे खुद गुजर रहे हैं। मैंने तकरीबन यूएसए हिस्ट्री की जो तैयारी थी ना, वो मैंने 12 to 15 days में की थी। ठीक है, अब मैंने जो तैयारी की थी वो कुछ इस तरह तैयारी थी कि मेरे जो टीचर थे सर रियाज अहमद खान, उन्होंने मुझे ये मेथोडोलॉजी दी थी, उनके साथ मैंने ट्यूशन की थी, उन्होंने मुझे ये मेथोडोलॉजी दी थी कि ये जो है ना, ये कोई तकरीबन 38 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये नीचे तक, ये कोई 38 टॉपिक्स हैं। ठीक है, उन्होंने हमें ये मेथोडोलॉजी दी थी, हमें कहा था कि बस योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा उन्होंने मुझे हमें ये मेथोडोलॉजी दी थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर चलें, इसके अंदर जो जो चीजें आप लोग ये कर लें, अपनी तरफ से पास पेपर के एनालिसिस कर लें, अपनी तरफ से गेसेस बना लें कि कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजें बार बार आ रही हैं, वही कर लें तो आपका जो पेपर है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो इन 38 टॉपिक्स में से जो जो सी चीजें अभी हाईलाइटेड है, मैंने सिर्फ ये की थी। कॉलोनाइजेशन की थी मैंने, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की थी मैंने, ये तीनों चीजें मैंने नहीं की थी, सिविल वॉर, रिकंस्ट्रक्शन, इमिग्रेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये तीन चार चीजें की थी। ठीक है, प्रेसिडेंट्स में जो है जैक्सन और जेफरसन मैंने किया था, फ्रैंकलिन डी जो है 19 में आया हुआ था मैंने नहीं किया था, विल्सन किया था और वो आया था 20 में। ठीक है, अच्छा इवेंट्स में जो है मॉनरो डॉक्ट्राइन मैंने की थी, और ये जो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान और पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जो है, ये कोल्ड वॉर में जो थी ये मेरी हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो मैंने ठीक ठाक तरीके से की थी, और वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो मैंने उसके मैंने रीड दी थी कि मुझे पता हो। ठीक है, और इनमें से जो है मैंने सिविल राइट्स मूवमेंट की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, और पाक यूएस रिलेशंस जो है मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ था। अगर अब यहाँ तक तो कोई सवाल है तो कोई पूछ ले, है किसी का कोई सवाल? नो सर, अच्छा ठीक, समझ आ रही है मेरी नो बातों सर, की? जी सर। अच्छा ठीक है, सही है। अब मैंने जो मैंने देखो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सिलेक्टेड टॉपिक्स की थी, मतलब उन्होंने मुझे एक सिलेक्टेड 38 टॉपिक्स दिए, और सिलेक्टेड में से भी मैंने, मतलब क्या, मैंने कोई 14-15 किए होंगे। ठीक है ना, लेकिन ये मैंने इस तरह किए थे कि मतलब इनके ऊपर मैं बिल्कुल श्योर था। ठीक है ना, इनके ऊपर जिस जिस किस्म का सवाल आता है, मतलब मुझे, मैंने अपनी तैयारी इस तरह की हुई थी कि इसके ऊपर जो सा भी सवाल आ गया ना, तो मैंने मैंने वो करना था, मतलब मुझे वो आता था। ठीक है, अब उसका पता किस तरह चलता है, वो जब आप पास पेपर्स उठाते हैं तो आप, ये मैंने आपके लिए होमवर्क भी रखा हुआ है, आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि आप लोगों को ये तरीका आ जाए, फिर ये तरीका आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पास पेपर का एनालिसिस किस तरह करना है, आप लोगों को आता भी होगा, आप लोगों ने पेपर देखे भी होंगे कि सवाल किस तरह आ रहे हैं। पास पेपर का एनालिसिस आपको बताता है कि पर टॉपिक जो है आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, मतलब कॉलोनाइजेशन से अगर बार बार सवाल आ रहा है तो किस किस जगह से जो सवाल है ना वो बार बार आ रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंस से, अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से सवाल आ रहे हैं तो कौन कौन सी टेल्स उसके साथ जुड़ी हुई होती है, किस किस चीजों से वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने तो जो है यही चीजें पढ़ी हुई हैं, तो मैं तो आप लोगों को यही चीजें पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन जो है
15 to 38 topics जो है ना मैंने किए हुए, तो ये 15 टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस तरह कराऊंगा कि मतलब ये आप लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। उसके बाद ये जो बाकी की जो चीजें हैं ना, या मतलब मैं जो आप लोगों को कह रहा हूँ कि मतलब आप लोग इन्हें इस तरह करना है कि आज तो हम लोग मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत ये कॉलोनाइजेशन जो है ये पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप लोगों ने मेन काम शुरू करने से पहले इस तरह करना है कि 4 से 5 दिन लगा के रोजाना की बुनियाद पे यूएस हिस्ट्री को 3 घंटे या 4 घंटे दें, ठीक है। नंबर वन, उस 3 या 4 घंटे में आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, कोई भी अच्छी किताब उठानी है। मैंने जो है ना माजुमदार से पढ़ा था, माजुमदार कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास ये बुक है? सर मैं पढ़ रही हूँ आर के माजुमदार की। अच्छा, और कोई पढ़ रहा है मुझे बता दें, सारे सारे बता दें। हेलो सर, मेरे पास नोवा की बुक है, माजुमदार नहीं है, वो मैं लूंगी। अच्छा ठीक है, बाकी सारे एक... अच्छा माजुमदार पढ़ रहे हो, ठीक है, बाकी भी सारे बता दो कौन कौन सा सोर्सेस तुम लोग। मेरे पास सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, ये माजुमदार की बुक एफपीएससी रिकमेंडेड तो नहीं है ना? नहीं, ये मुझे लगता है एफपीएससी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप कोई एफपीएससी रिकमेंडेड, अच्छा तो अगर किसी ने, हाँ जी, अगर किसी ने एफपीएससी रिकमेंडेड बुक से करना हो तो आप कौन सी वो करते हैं रिकमेंड? मैं असल में आपको, मैंने सिर्फ देखिए, मेरे जो 3-4 सोर्सेस है यूएसए हिस्ट्री के लिए, ठीक है, एक मैंने माजुमदार पढ़ी थी एज अ बुक, ठीक है, यूट्यूब का मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, एक वेबसाइट है usahistory.org वो मैंने इस्तेमाल की थी, और एक बाकी मतलब गूगल वगैरह पे और डिफरेंट क्या कहते हैं जो पेपर्स होते हैं रिसर्च पेजेस, मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब एफपीएससी रिकमेंडेड की बुक मैंने पढ़ी हुई नहीं है, तो मैं आपको मतलब वो रिकमेंड कर नहीं सकता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, आप कोई भी अच्छी किताब उठा लें, तो आपने उसको पढ़ लें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। आपको इसी तरह से आपको एफपीएससी रिकमेंडेड मतलब फॉरन ऑथर्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन खुद मैंने माजुमदार से पढ़ा हुई, मैंने इसी से नोट्स बनाए हैं, तो और मैंने कोई किताब पढ़ी हुई नहीं है, तो मैं आपको इस तरह रिकमेंड नहीं कर सकता कि तुम ये वाली किताब पढ़ लो। मैंने खुद माजुमदार पढ़ी हुई है, तो मैं तो आप लोगों को माजुमदार ही रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास इससे कोई अच्छी किताब है या कोई इससे अच्छा सोर्स है, तो जरूर गो फॉर इट, आप लोग वो पढ़ लें, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते कि मतलब ये इम्पैक्ट इसका पड़ेगा मतलब 15 का 38 के ओवरऑल मतलब क्वेश्चंस पे या टॉपिक्स पे? आप कह रहे 50% है, मैं तो कह रहा हूँ 20 या 30% भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट इस तरह बनेगा ना, ये वो वाली चीजें हैं जो कि बार बार इससे सवाल आता है। ये जब आप पास पेपर के, मैं भी आपको होमवर्क दूंगा, आपने पिछले 20 सालों के पास पेपर का एनालिसिस करना होगा, आप उठा के देख लो ना, तो हार्डली आपको कोई ऐसा सवाल मिलेगा जो कि इन 38 टॉपिक्स में से ना हो, ठीक है। फिर मैंने वो चीजें, क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, मैंने सिर्फ वो चीजें की थी जिसका मुझे मतलब एश्योरिटी थी कि बस ये वाली चीजें आएंगी। और तब लकली यूएसए हिस्ट्री में सिर्फ ये अप्रोच जो है ना, क्या कहते हैं, काम आई है, मतलब यूएसए हिस्ट्री में उन्होंने अपनी जो वो अप्रोच थी वो सिलेबस ओरिएंटेड इतनी नहीं की थी, जरा पास पेपर ओरिएंटेड ही थी। 2020 के पेपर या 2020 के अटेम्प्ट जिसने भी दिए ना, उससे आप पूछ लें, वो आपको यही कहेगा कि पास पेपर की जो अप्रोच थी वो उन लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्करेज की थी, मतलब जो जो चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, उन्होंने एक सिलेबस ओरिएंटेड जो चीजें थी ना वो उन्होंने रखी हुई थी, ठीक है। बाकी पेपरों में यूएसए हिस्ट्री में फिर भी वो बहुत हद तक यूएस क्या कहते हैं पास पेपर ओरिएंटेड अप्रोच जो होती है उस पे चले थे। इसी बात को टैकल करने के लिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये चीजें तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन अच्छे तरीके से हम कर लेंगे, लेकिन आपको ऑन सेफ साइड पे होने के लिए आपने ये करना है कि आपने थोड़े एडिशनल टॉपिक्स भी करने हैं, और आपने सिलेबस जो है ना वो सारे का सारा पढ़ना है। मतलब आपने एक बार बुक से है ना गो थ्रू हो जाना है। गो थ्रू हो जाने से आपका ये हो जाएगा, आपके दिमाग में जो है ना एक ढांचा बैठ जाएगा कि यूएसए हिस्ट्री क्या है, इस इवेंट से पहले क्या हुआ, इस इवेंट से बाद क्या हुआ, ठीक है, यूएसए
उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था, क्योंकि जब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि वो आपको सवाल इतना कोई एक ही टॉपिक से आपको सवाल नहीं देगा, वो आपको हमेशा सवाल देते हैं दो तीन एस्पेक्ट को मिला के वो आपको एक सवाल देते हैं और आपने उसको उसी तरह आंसर करना होता है। तब मैंने तो यही पढ़ा हुआ, इससे मैं आपको सिर्फ ये पढ़ा सकता हूँ। मैं मतलब अब मुझे मैंने ये वेस्टवर्ड मूवमेंट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, तो अगर मैं भी आपको सिखाना शुरू हो जाए तो मुझे खुद भी कुछ नहीं आता, आपका टाइम भी ज़ाया करूँगा, अपना टाइम भी ज़ाया करूँगा। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं वो तो मैं आपको बिल्कुल ठीक से करा लूँगा, लेकिन मतलब वो जो आप जिस बात जो आप बात आप कह रहे हैं उसको कवर करने के लिए, मतलब सेफ साइड पे होने के लिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सिलेबस आप लोग 3 से 5 दिन लगा के किताब को पूरी पढ़ लो, ठीक है ना। उसमें और ना उसमें सिर्फ जब इस वक्त आप किताब पढ़ रहे हो तो क्या कहते हैं आप उस वक्त ही अपने नोट्स जो है ना बनाना उसके अंदर शुरू कर लो, हाइलाइटिंग शुरू कर लो। उससे ये हो जाएगा कि एक तो मतलब आप एक बार पूरी किताब से गुजर जाओगे, आपको यूएसए हिस्ट्री का पता चल जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा जोन से भी मतलब आपको इंपॉर्टेंट बात पर टॉपिक नजर आ रही है आप उसको हाईलाइट करते जो आपके नोट्स भी बन रहे हैं, फिर हम ये चीजें जो है ना हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे इसको, फिर तुम खुद भी पढ़ लोगे और बाकी जो चीजें जो हैं जो तुम्हें लग रहा होगा कि इससे भी सवाल आ सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उसको भी तुमने ये करना है, उसको भी तुमने कवर कर लेना है, ठीक है। मेरी क्या किसने बात की थी, हामिद आप? हाँ थैंक यू सर, समझ नहीं समझ आई है मेरी बात? जी नहीं सर, देखो मैंने अब यही गलती की हुई थी ना, क्योंकि मैंने जो है ना पूरी सर समझ रही हूं, ठीक है ना, मैंने ये गलती की थी, मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने बहुत ज्यादा वो स्पेसिफिक अप्रोच रखी हुई थी अपनी, ठीक है। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने सिलेबस भी सारा पढ़ लेना है, मतलब किताब भी पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। और जो मेन मेन चीजें है ना कि मतलब कुछ चीजें जो हो ना वो आपकी बिल्कुल मतलब वो क्या कहते हैं मतलब फिंगर टिप्स के ऊपर हो, ठीक है ना, स्ट्रांग होल्ड हो आपका, कि अगर उससे तो सवाल आ जाए तो कोई मसला ही ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब आगे पीछे का कोई एक आज सवाल आ जाते हैं, मतलब आपको अगर 4 में से 3 आ रहे हैं बिल्कुल ठीक और एक थोड़ा आपका कमजोर आ रहा है, तो हो सकता है वो आपके आपने सिलेबस पढ़ा हो, आपको कोई बात याद आ जाए, आपने कहा था हाँ किताब में मैंने ये चीज इस तरह पढ़ी हुई थी, तो वो फिर है ना वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। दूसरा ये है किताब सारे पढ़ने से आपका ये अच्छा हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज भी जो है ना बहुत ज्यादा मतलब अच्छे हो जाएंगे। जिस वक्त तो अपने लिए नोट्स बना रहे हो ऐसी जो डेट्स वगैरह हैं जो लोगों के नाम वगैरह हैं, तो वो भी अपने लिए हाईलाइट करते रहो एमसीक्यूज के लिए, और उसके साथ ऊपर पेंसिल से लिख लिया करो एमसीक्यूज, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगर अभी तक किसी को भी किसी बात समझ ना आई हो या किसी बात में कंफ्यूज हो तो वो पूछ सकता है। है किसी का कोई सवाल? नो सर, नहीं है। नो सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो कर लो, यहाँ तक अगर क्लियर नहीं है मैंने जो बातें की हैं या जो हमने जिस तरह चीज लेकर चलनी है एक कोर्स लेकर चलना है, तो अगर किसी का कोई एम्बिग्विटी है या कोई समझ नहीं आ रही तो फिर भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया कि प्रॉब्लम की वजह से, तो बस थोड़ा सा फिर रिपीट कर देखो। अच्छा ठीक, आपने कहाँ से ज्वाइन किया, किस वक्त ज्वाइन किया सर? 9 नहीं, आपने मैं उस वक्त क्या बात कर रहा था जिस वक्त आपने ज्वाइन किया सर? अभी ये जो सिलेबस आप दिखा रहे थे कि मैंने ये जो, अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा इनके साथ मैंने देखो ये बात की, मैंने 5-6 जो चीजें ना इनके ऊपर मैंने थोड़ी बात की है, ऐसी जनरल डिस्कशन की है ना कि हमने इस कोर्स को आगे लेकर किस तरह चलना है। पहले तो मैंने इनको बहुत ही एक मतलब इन नटशेल अगर हम कहें कि यूएसए हिस्ट्री क्या है ना, तो यूएसए हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट ये है। सबर करो इधर कनेक्शन स्टेबल हो जाए, सबर करो मैं जरा ये देखूं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अच्छा मैंने शुरू, हाँ हाँ हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखो मैंने यहाँ से शुरू किया कि यूएसए हिस्ट्री है क्या चीज़, ठीक है। यूएसए हिस्ट्री ये चीज़ है
वो शुरू होती है कि कैसे यूएसए हिस्ट्री जो है यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी होता था और कैसे आज का यूएसए मतलब क्यों है, मतलब ऐसी क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, मतलब कैसे यूएसए हिस्ट्री कॉलोनी होते हुए कैसे मतलब आज की एक सुपर ये इकोनॉमिक पावर है। अब इस ये मतलब ये इसके दो एंड्स हैं, ठीक है। अब इसके दरमियान जितनी भी चीजें हुई हुई हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, कैसे यूएसए जो है उसने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, कैसे वो कॉलोनी से एक स्टेट क्या कहते हैं फेडरेशन बने, ठीक है, उसके अंदर कैसे 13 स्टेट से वो 50 स्टेट्स की तरफ गए, उसमें उनके प्रेसिडेंट्स का क्या रोल रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहा है, कैसे उनकी सोसाइटी ने इन्वॉल्व किया, वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में इनका क्या रोल था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मतलब इनका और जो इवेंट्स गुजरे हुए, ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इसका इवेंट माना जाता है, ठीक है। अब जैसे आपके बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा सिविल राइट्स मूवमेंट, तो ये सब कुछ क्या हुआ, तो मतलब ये जो बीच के जो सारे इवेंट्स है ना, बस ये यूएसए हिस्ट्री है कि ये ट्रांसफॉर्म इसने किस तरह की है, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर आप जब एक एक चीज उठा के पढ़ते तो उसके अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह होती हैं, उसी से सवाल भी बन के आते हैं, ठीक है ना। तो यूएसए हिस्ट्री तो ये चीज है। अब डिमांड ऑफ द एग्जामिनर, इनको मैंने कहा था कि डिमांड ऑफ द एग्जामिनर ये होती है कि मतलब जब वो आपका पेपर उठा के देखे तो उसको ये ना लगे कि आपने यूएसए हिस्ट्री के साथ मजाक किया हुआ है, ठीक है, या आपने उसको उतना टाइम नहीं दिया जितना कि आपने बाकी अपने जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट है उनको दिया होगा, ठीक है। तो उसकी मेन तो वो पहले तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो तो यही देखेगा कि इससे मतलब मजाक तो नहीं किया हुआ है। दूसरा वो ये देखेगा कि आपने सवाल के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है अपने आंसर में कि नहीं किया हुआ है। अब उसका ये होता है, इनको मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ग्रेट डिप्रेशन से सवाल आता है तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे हूवर, ठीक है ना, तो वो ये पूछेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया है, ठीक है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि फिर हूवर उसी सवाल के अंदर कि हूवर ने ग्रेट डिप्रेशन के लिए क्या इकदामात लिए थे, ठीक है, और फिर इसका इफेक्ट जो था, इन इकदामात का इफेक्ट जो था वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर क्या था, मतलब इस किस्म का कोई वो सवाल दो तीन चीजों को मिला के नहीं है वो आपको बता सकते हैं। तो अगर आप आपको सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पता होगा ना, तो फिर आप उस आंसर को जो है ना पूरी तरीके से वो नहीं कर सकेंगे, आंसर सवाल को आंसर नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपने ये करना होगा कि आपको मतलब पीछे उसका उससे आगे का थोड़ा पता होना चाहिए, उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था, मतलब ऑन द होल आपको उस चीज के बारे में पता हो कि अगर वैसा कोई सवाल आता है, मतलब ऑन द होल आपको यूएसए हिस्ट्री के बारे में पता हो, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता हो कि क्या क्या हुआ था उसके आसपास इस ग्रेट इवेंट के, कि फिर आपको कॉजेस का भी पता हो, इम्पैक्ट्स का भी पता हो, बाद में क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है, तो ये सारी मतलब आपको मतलब आपकी जो स्टडी है ना वो इस किस्म की होनी चाहिए कि मतलब वो अगर दो तीन एस्पेक्ट्स को मिला के आपको एक सवाल देता है तो आप उसके सारे के सारे मतलब रेलेवेंट उसको आप जवाब दें और हर एक चीज को जो है ना आप उसको एड्रेस कर सकें जो भी उसने सवाल में पूछा हुआ है। फिर मैं इस बात के ऊपर आया हूँ कि मतलब ये जो हमने पढ़ना किस तरह है, फिर इनको मैंने कहा कि मेरे पढ़ने का स्टाइल ये था कि मुझे मेरे टीचर सर रियाज अहमद खान साहब ने मुझे ये उन्होंने ये जो तकरीबन 38 टॉपिक्स है उन्होंने मुझे ये 38 टॉपिक्स दिए हुए थे, कहते हैं कि तुमने ये 38 टॉपिक्स कर लिए तो इन्हीं 38 टॉपिक्स में से सवाल आते हैं तो तुम्हारा जो पेपर है ना ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने आप को अपने लिए चीज़ें और भी स्ट्रीमलाइन की हैं, मैंने देखा कि किन किन चीज़ों से बार बार सवाल आ रहे हैं, मैंने सिर्फ वही की थी, तो ये इन 38 ये टोटल 38 टॉपिक्स हैं, इनमें से मैंने सिर्फ 15 किए हुए हैं। तो क्योंकि मैंने सिर्फ 15 किए हुए हैं ना, तो मैं सिर्फ आपको ये ठीक तरीके से मैं आपको सिर्फ ये 15 ही पढ़ा सकता हूँ, मतलब बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन इस चीज को कवर करने के लिए, ठीक है ना, इस चीज को कवर करने के लिए हमारी अप्रोच मतलब आप लोगों की अप्रोच इस तरह होगी कि ये सारी चीजें तो हम लोग बहुत ठीक ठाक तरीके से कर लेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने करना ये है ना कि आप लोगों को थोड़ा सेफ साइड पे रहना है, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को ये सिलेबस जो है ना आप लोगों ने इसको भी कवर करना है। अब सिलेबस कवर करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी बुक उठानी है जोन से भी आपको पसंद हो, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बात की है कि उन एफपीएससी रिकमेंडेड मैं कोई किताब पढ़ लूँ, तो आप जरूर वो कोई किताब पढ़ लें, आप जरूर कोई यूएसए हिस्ट्री की कोई क्या कहते हैं क्रैश कोर्स है यूट्यूब के ऊपर आप वो देख लें, लेकिन या तो आप कोई किताब उठा लें, किताब मैंने खुद माजुमदार पढ़ी हुई है इसलिए मैं आप लोगों को माजुमदार की जो बुक है वही आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। वो जो है क्या कहते हैं आपने उठानी है ए टू जी, उसको 4-5 दिन लगा के जो है ना तुम पढ़ लो, पढ़ते वक्त जोन से भी बात तुम्हें इम्पोर्टेंट नजर आए पर टॉपिक उसको तुम
हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। हाईलाइट करने से ये हो जाएगा, एक तो तुम्हारे इनिशियल नोट्स भी बन जाएंगे कि अगर बाद में तुमने उसको कागज के ऊपर उतारना होता तो तुम्हें इतना मसला ना हो, और एक तो तुम मतलब तुम्हारे दिमाग पे मतलब एक बुरा ढांचा बैठ जाएगा कि यूएसए हिस्ट्री क्या है, इस इवेंट से पहले क्या हुआ, मतलब ये चीज टैकल करने के लिए ना आप पूरी किताब से एक बार गो थ्रू हो जाओ। क्योंकि इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या, इसमें मैंने जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक सवाल अटेम्प्ट किया था, वो था कि कैसे यूएसए की जो सोसाइटी वो ट्रांसफॉर्म किए 19th सेंचुरी में, कि कुछ इस तरह का सवाल था। तो वो मैंने खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ी हुई थी ना, तो वो मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के एस्पेक्ट से जो है ना वो मैंने आंसर किए, ये मैं जिस वक्त पेपर की तैयारी मैं कर रहा था। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें वगैरह मैंने पढ़ी हैं और बाकी थोड़ा बहुत और पढ़ा है, तो वो असल में इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना सवाल नहीं था, ज़्यादातर सवाल जो था ना वो अर्बनाइजेशन से था। तो इस किस्म का फॉल्ट आप लोग पेपर में ना करें ना, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप लोग एक बार पूरी किताब से गो थ्रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे खान खलील, मैं अभी तक सिर्फ ये बात मैंने किया, तो अभी साहब मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है कि ये जो यूएस हिस्ट्री है सर, ये तो मतलब क्लोज्ड है ना, तो इसमें और वो नहीं होती, तो सर ये करंट उस पे भी सवाल आते हैं या बस ऐसे ही वो जितने हिस्ट्री में? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सही है। चलिए ये मैंने देखो नीचे तुम लोग के एक होमवर्क रखा हुआ है, जरा अभी से तुम लोग नोट कर लो, तीनों चीजें अपने पास सारे के सारे अभी लिख लो, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ। होमवर्क है आप लोगों का पास पेपर एनालिसिस, ठीक है। नंबर वन ये देख लो कि रिपीटिशन अकर हो, ये किन किन टॉपिक से रिपीटिशन अकर हो रही है, ठीक है, सारों को मैं कह रहा हूँ, सारे अपने पास लिख लो। नंबर टू ये देखो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द गिवन टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक से किस किस किस्म के सवाल आ रहे, कॉलोनाइजेशन से किस किस्म का सवाल आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस्म का सवाल आ रहा है, ठीक है, प्रेजिडेंट से किस किस्म के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी से है अगर कोई सवाल आ रहा है, जैसे मुस्लिम्स के ऊपर सवाल आते हैं उससे किस किस्म का सवाल आ रहा है, और क्या कहते हैं ये इसमें ये सब जब तुम लोग देखो ना तो हाउ, और तीसरी बात तुम लोग ये देखना कि हाउ आर द टॉपिक्स बीइंग इंटरजॉइंड विद इन अ सिंगल क्वेश्चन, कैसे दो तीन एस्पेक्ट्स को मिला कि वो लोग एक सवाल जो है ना बना रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों का जो क्या कहते हैं होमवर्क जो है ना वो ये चीजें हैं, तो ये इस तरह नहीं होगा कि अगर तुम दो तीन सालों के पेपर उठा के देखोगे ना तो तुम लोगों को फिर इतना आइडिया नहीं होगा। 2000 से 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसकी प्रॉपर तुम लोगों ने, ये तुम लोगों की असाइनमेंट है, प्रॉपर तुम लोगों ने खोलने एक एक पेपर, ठीक है ना, और देखो अपने साथ लिखते जाओ, अच्छा इससे सवाल आया 19 में आया 16 में आया 15 में आया 14 में आया, उसके साथ लिख लो, ठीक है ना। मतलब पूरी अपनी जो है ना क्या कहते हैं ये लेगा तुम लोगों से तकरीबन घंटे डेढ़ या दो घंटे का टाइम लेगा, लेकिन इससे ये होगा ना तुम लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाएगा यूएसए हिस्ट्री के बारे में। तो ये आज आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है ना। ये सारे ये तीनों काम जो है ना, मतलब ये जो काम है ना तीन, ये जो मैंने लिखे हुए जो लिस्ट किए हुए ये जो तीन है, ठीक है ना, ये जरूर आप लोगों ने आज के आज ही करने, इससे आप लोगों का दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा खुल जाएगा यूएसए हिस्ट्री के बारे में। खान खलील आप बात कर रही थी, ठीक है। अच्छा ये जो आपने कहा ना, ये जो आपने कहा ना कि ये क्लोज सब्जेक्ट है, तो ये इसके जो सवाल आते हैं इतने क्लोज होते हैं उसमें, ये जो पहले के जो शुरू के मैं आपको बताता हूँ, यूएसए हिस्ट्री में जो है ना जो मेन जो तंग करने वाली चीजें है ना, या मतलब जो बंदे को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, शुरू की ये दो तीन चीजें नहीं है, कॉलोनाइजेशन ये एक थोड़ी मतलब वो होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये दो तीन चीजें हैं ना ये थोड़ी कंफ्यूजिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद की जो क्या कहते हैं यूएसए हिस्ट्री के जो वो चीजें है ना वो कंपेरेटिवली काफी आसान है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई है। अच्छा दूसरी ये बात हो गई है, अगर हम ये वॉर्स के ऊपर आ जाए ना तो वर्ल्ड वॉर वन से भी वो आपसे सवाल कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर टू से भी कर सकते हैं, लेकिन यूएसए हिस्ट्री में अक्सर इस तरह भी होता है कि वो लोग आई आर का जो टच है ना वो भी उसके अंदर डालते, मतलब 2020 में आया था वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर, वर्ल्ड वॉर टू और प्री वर्ल्ड वॉर के ऊपर सवाल आया था, और उन्होंने उसमें यूनिपोलैरिटी बायपोलैरिटी और ये क्या कहते हैं इन क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर की थोड़ी बात की हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें ये मिक्स भी ये लोग डालते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि करंट अफेयर के लिहाज से एक सवाल लाजमी होता है, ठीक है। अब वो सवाल जो है
हमारे वक्त में आया था कि मतलब ये 2020 में आया था, यूएस इंडिया का जो नेक्सस है और पाकिस्तान चाइना जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, इसके ऊपर सवाल आया था। इस बार सवाल जो है, अगर जो बाइडन अगर वो जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, तो हो सकता है उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई सवाल आ जाए, या इतने से क्या कहते हैं नवंबर में इलेक्शन है, तो अगर फरवरी तक वो अगर कोई बहुत कोई आगे पीछे का कोई काम कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर लेते हैं करंट अफेयर के लिहाज से, उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। या जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही, जिसका भी लोगों ने कोल्ड वॉर का नाम दे दिया है, उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, ठीक है। या डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी अभी रिसेंटली कोई एक दो काम किए हों, उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें यहाँ और पाक यूएस रिलेशन से भी सवाल आ सकते हैं, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब इतना ठीक है क्लोज सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो क्लोज चीजें हैं ना, इससे दो तीन चार सवाल इन चीजों से आते हैं, और बाकी की जो तीन चार सवाल है ना, वो ये इन चीजों से आते हैं, मतलब करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। एक सवाल तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जरूर होगा, एक आज सवाल जो है आप लोगों के वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर, इनसे आपके एक या दो सवाल हो सकते हैं। एक सवाल प्रेसिडेंट से आता है, एक कोई है कोई इवेंट वगैरह, ग्रेट डिप्रेशन, वेस्टवर्ड मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, इनसे आता है, और एक सवाल आपका कॉलोनाइजेशन, एक सवाल आपका कॉन्स्टिट्यूशन या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, इनसे आता है। लेकिन ये जब आप लोग इंशाल्लाह ताला आज ये होमवर्क वगैरह कर लेना, तो ये फिर आप लोग जरा देख लें, तो आप लोगों का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। ये वाली असाइनमेंट तुम लोग करोगे तो इंशाल्लाह ताला तुम लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना फायदा होगा, मतलब तुम लोगों को मेरी बातें जो है थोड़ी और समझ में आना शुरू हो जाएंगी जिस वक्त तुम लोग ये असाइनमेंट करोगे, ठीक है। सर मैंने मतलब ये सुना है ना कि मतलब करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बंदा यूएसए हिस्ट्री में अटेम्प्ट करता है ना, मतलब जो करंट सिनेरियो पे होते हैं ना सर, तो कहते हैं कि उसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कम्पेयर टू अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अच्छा, ये तो आपने बात जो की, अब इसके बारे में मुझे इतना कोई पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप हिस्ट्री का सवाल करेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये यूएसए हिस्ट्री का है, ठीक है ना। पेपर तो ऐसे हिस्ट्री का है, जब करंट अफेयर्स का भी देखो, जब सवाल आएगा ना तो उसमें तुम्हारी वो जो ये कहते हैं, पहले तो तुमने सवाल को देखना, मतलब सवाल को आंसर करना कि सवाल किस किस्म के, लेकिन कोशिश यही करनी है कि फिर भी तुम्हें वो जो चीज क्या कहते हैं जो सवाल जो है उसको थोड़ा यूएस की तरफ ही तुमने खींचना होगा, मतलब जो यूएस के पर्सपेक्टिव से ही उस सवाल को तुमने उस सवाल का तुमने जवाब देना होगा। इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि अगर आप करंट अफेयर्स के पेपर का उसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, दूसरे ज्यादा मार्क्स आते हैं, इन चीजों के बारे में इतना मत सोचो, ठीक है ना, कि इसका सवाल मतलब ये आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ठीक है ना, अब एक सवाल तुम्हें दूसरा हो सकता है हिस्ट्री से अच्छा आ रहा हो, तुम्हारे दिमाग में ये बात हो कि नहीं मैंने करंट अफेयर्स वाला करना है, कि इसमें सवाल इसमें क्या कहते हैं मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं, वो हो सके तुम्हें इतना अच्छा आ भी ना और आ रहा हो, ठीक है, तो तुम फिर पेपर में खुदा ना ख्वास्ता तुमसे ब्लंडर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इन चीजों के मतलब जो उन सभी आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल ठीक रखें, ठीक है ना, अच्छी तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो, जब वहां पे जाओगे ना जो उनसे चार सवाल तुम्हें बेस्ट आते हो ना उस वक्त बस वही अटेम्प्ट करना। ये जो मतलब ये वाली बातें होती ना, हम लोग ये होते हैं सर, कभी कोई एक इस किस्म की बात कर देते हैं, कभी कोई दूसरे इस किस्म की बात कर देते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा मतलब वो मत करो, मतलब ज्यादा उसके ऊपर मत सोचो, ठीक है ना, मतलब अपनी तैयारी जबरदस्त रखो, ठीक है। ये इंशा ताला ये अच्छा ये जब हम करेंगे ना तो ये मतलब हम पूरा एक पैकेज बनाएंगे यूएसए हिस्ट्री का, ठीक है ना, हम इस तरह नहीं करेंगे कि बस मतलब ये देखो ये मैंने नीचे लिखा है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक एट द एंड ऑफ द एंटायर सेशन। मैं खुद भी कोशिश मतलब मैं कोशिश यही होगी कि आप लोगों को बोले मैं एक पेपर बनाऊं, ठीक है, मैं खुद भी एनालिसिस करके मतलब मैं वो चीजें आप लोगों के लिए रखूंगा कि जो मुझे लगता है कि 21 में आ सकती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वही चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मतलब मेरा जब मैं आप लोगों पेपर बनाऊंगा ना तो मेरा यही होगा, या फिर आप लोगों ने मैं पहले आपको एक सेशन लूंगा पूरे इसी तरह 3-4 घंटे का कि आप लोगों ने यूएसए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो किस तरह अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक पेपर दूंगा जो कि आप लोगों ने 3 घंटों में करना होगा उसी वक्त, ठीक है ना, कोई एक आध दिन निकाल के मतलब ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखें ये बात हमेशा याद रखो, तुम लोग जितना अच्छा भी पढ़ लो, ठीक है, तुम लोग जितनी किताबें भी मतलब
याद कर लो जितने अच्छे, मतलब तुम्हारे पास इंतहाई बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए यूएसए हिस्ट्री के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, लेकिन ऑल व्हाट मैटर्स इज आप उन 3 घंटों में क्या करते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग वहाँ उस वक्त अपनी नॉलेज को जो है पेपर के ऊपर ला सकते हो सवाल के मुताबिक तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते तो आप यूएसए हिस्ट्री के आप कितने भी बड़े शाहकार हो ना फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं है कि जब वहाँ पे आपकी डीएमसी का जो टोटल है ना वहाँ पे अगर वो नजर ना आ रहा हो ना यूएसए हिस्ट्री का जो स्कोर है, ठीक है ना, तो उसका जो है फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने नॉलेज तो गेन करनी है लेकिन उससे उतना ही इम्पोर्टेंट ये दूसरा एस्पेक्ट है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है कि आप एग्जामिनर को खुश कर सके, वो आपको मार्क्स दे, उसको लगे कि हाँ इसने ठीक ठाक मेहनत की हुई है, ठीक है ना। अब इस अब यहाँ तक कोई सवाल हो? जी जी सर, सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये है कि आप क्वेश्चन की एसेंस को समझ सके। हाँ देखो आपने वो उसके ऊपर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर हम आराम से बात करेंगे, वो जो है हम आईसीएस के साथ साथ भी लेकर चलेंगे, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन की एसेंस को समझना है कि वो आपसे पूछ रहा क्या है, ठीक है, फिर आपने उस क्वेश्चन को ब्रेक करना है कितने भी एस्पेक्ट से जिससे पूछा है 2-3, फिर आपने उसको इस तरह से आंसर करना है। अच्छा दूसरी बात, ये बात भी जरा याद रखो, ठीक है ना, यूएसए हिस्ट्री का जो पेपर होता है वो अक्सर होता है आखिर में, ठीक है, यूएसए हिस्ट्री का जो पेपर होता है ना आखिर में, असल में जब आप लोग 8 से 9 पेपर दे देते हो ना तो आप लोगों का माइंड जो होता है, मतलब 4-5 दिनों में अगर तुम 10 पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, तो तुम्हारा माइंड जो है ना वो तब तक थोड़ा वो काफी एग्जॉस्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो जब अब पहले पहले शुरू शुरू के जो पेपर्स होते हैं करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स, आप एक बार भी उस वक्त सवाल पढ़ते हो ना तो डायरेक्ट आपके दिमाग में मतलब चीज बैठ जाती है कि यार इसने मुझसे इस सवाल में ये पूछा। बच्चे यूएस हिस्ट्री के पेपर में ये होता है क्योंकि थोड़ा आखिर में होता है ना, आपकी वो जो क्वेश्चन पिकिंग पावर जो होती है ना वो थोड़ी कमजोर हो चुकी होती है उस टाइम। तो जब भी आपका यूएसए हिस्ट्री का पेपर हो या जो आपके मतलब इन जनरल जो भी आपका जो आखिरी जो 3-4 पेपर नहीं होंगे उसके सवाल को ये याद रखो कि एक बार मत पढ़ना, 2 बार मत पढ़ना, 3-4 बार पढ़ना, और उसके बाद जो आपने अपनी आउटलाइन बनानी हो ना उसके बाद बनाना। मेरे साथ 2020 के पेपर में मैंने भी जब उस दिन मैं आप लोगों के लिए 20 पेपर वगैरह थोड़ा देख रहा था तो उसमें मैंने मुझसे तेरी बोला था, मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए थे तो उसमें क्या कहते एक मुझसे बोला था, 3 मुझे याद थे, उसमें एक क्वेश्चन था ये विल्सन से आया हुआ था, World War I को उन्होंने उसके साथ कनेक्ट किया हुआ था और आखिर में उन्होंने लिखा हुआ था कि प्रिज्म, मतलब इसको आप उसके विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे उसके प्रिज्म से देखें। तो मुझे फिर सर याद पड़ रहा था कि शायद उस वक्त मैंने ये जो 14 पॉइंट्स के प्रिज्म से मैंने शायद इसको उस तरह नहीं देखा था, उस समय मैंने अपने आंसर में इस चीज को इतना इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। ये मुझे उस वक्त मुझे अभी हफ्ता पहले बात मुझे इस तरह क्लिक हुई है ये बात। तो मैं आप लोगों को अब ये कह रहा हूँ कि मतलब आप लोगों ने उस वक्त जो सवाल जो है ना, क्योंकि यूएसएससी का पेपर आखिरी होता है 3-4 मतलब क्या कहते हैं, आपने सवाल को है ना 3-4 बार पढ़ के उसको बिल्कुल कैच कर लोगे ना जब दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ मुझसे असल में यही चीज पूछ रहे, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आंसर करना। अच्छा अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई सवाल? अच्छा अगर कुछ भी अभी मतलब अगर अभी भी कुछ क्लियर वगैरह ना हो, कुछ इस तरह लग रहा हो कि मेरी बात की समझ नहीं आ रही हो या मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ या कोई भी एम्बिग्विटी हो आप लोगों के दिमाग में, कोई भी टेंशन हो तो पूछ सकते हो किसी भी रिलेटेड यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल हो। जैसे अभी इन्होंने पूछा है ना कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो तो ज्यादा मार्क्स आते हैं, यूएसए हिस्ट्री क्या कहते हैं हिस्ट्री के पोर्शन से अटेम्प्ट करो इतने मार्क्स नहीं आते, इस किस्म का भी कोई सवाल हो किसी किस्म का भी यूएसए हिस्ट्री से रिलेटेड हो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है सवाल? सर फिलहाल तो कोई नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा अब आते हैं नोट्स मेकिंग के ऊपर। अच्छा अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पढ़ने का क्या स्टाइल है, ठीक है ना, आप लोग मतलब हर किसी का स्टाइल अपना होता है, कोई किताब पढ़ के बस उनके दिमाग में बातें रह जाती हैं, कोई लंबे लंबे बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पढ़ने का स्टाइल ये था क्योंकि मैं जो है ना चीज़ें थोड़ी लिख लिख के याद करता हूँ,
ठीक है ना, तो मेरे जो नोट्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड और बहुत ज्यादा बड़े बन गए थे, और उनके अंदर मैं फुल एक्सप्लेनेशन मतलब किताब से ही लिखता था, कोई अपना कोई नोट्स इतने कोई नहीं बनाता, किताब पढ़ लेता था उसके अंदर हाईलाइटिंग करके उससे मैं लॉन्ग नोट्स बना लेता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स है ना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले जो है ना आप लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो ये वन पेजर जो है ना ये आप लोगों ने जरूर बनाने हैं। अभी जितने टॉपिक्स हमने कवर करने हैं ना, ये 15 टॉपिक्स, इनके तो मतलब मैं बना रहा हूँ साथ साथ, मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी उठा रहा हूँ, लॉन्ग नोट्स भी उठा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मतलब ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये इनके इनकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, लेकिन अब मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोगों ने डिटेल में करनी है, ये चीज़ तो हम लोगों ने ज्यादा खुद पढ़नी है। मतलब कॉलोनाइजेशन में जो है मैंने नोट्स जहाँ पे जिस कॉलोनी की थोड़ी ज्यादा इलेबोरेशन चाहिए थी वहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया, जिसकी इतनी चाहिए थी वहाँ पे मैंने कम लिया। तो इनके तो जो वन पेजर्स है ना, या वन पेजर्स तो नहीं मतलब शॉर्ट नोट्स आप कहते हैं, वो तो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी सारी चीजें हैं ना, जैसे अब मुझे पता नहीं क्यों वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है ना, मुझे लगता है अभी पिछले साल भी नहीं आया था, उससे पिछले साल शायद आया था नहीं आया था, तो एक इस बार मुझे ये दोनों सवाल नहीं है, वेस्टवर्ड मूवमेंट और सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि अब सिविल राइट्स मूवमेंट जो है ना 18 और 19 में आया था, 20 में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था क्योंकि दो कंसेकटिव ईयर्स आए नहीं आया 20 में, तो हो सकता है 21 में आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने थोड़ा पास पेपर का एनालिसिस भी करना है, लेकिन जो टॉपिक्स हम लोग कवर नहीं करते उसके भी आप लोगों ने अगर लॉन्ग ना भी बना सको ना तो शॉर्ट जरूर बनाने, ठीक है ना। मतलब जो जो से टॉपिक तुम लोगों ने खुद करने हो ना नोट जरूर बनाओ, नोट्स बनाने के बहुत फायदे होते हैं, ठीक है ना। तुम्हें बार बार काम आ सकते, किताब पढ़ के अगर सिर्फ तुम लोग जाते हो ना तो बहुत सी चीजें मतलब तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है ना। मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि अपने लिए तुम लोग लॉन्ग नोट्स भी बनाओ और शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज है। तब आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों का पढ़ने का स्टाइल कैसा है, और आप लोग नोट्स बनाते हो नहीं बनाते हो, कैसे बनाते हो, कोई 4-5 बंदे 6 बंदे बात कर लो ना जिससे बात करनी हो। सर जो लॉन्ग नोट्स होते हैं वो हम उसके बनाते हैं जो लेक्चर हमें डिलीवर हो रहा हो और जो हम बुक से पढ़ते हैं वो उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और सही है। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो मैं पास पेपर के क्वेश्चंस की आउटलाइंस बनाती हूँ, सो दोस आर माय शॉर्ट नोट्स। बस चलो ठीक है, ये भी बेस्ट है। अच्छा और कोई बताए। लॉन्ग नोट्स में तो सर हम पूरी पूरी डिटेल वगैरह उसमें इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स में जस्ट हम सर फिर हेडिंग्स अपने लिए वो सर लिख देते हैं पेजेस पर। अच्छा सिर्फ हेडिंग्स लिखते हो तुम? जी सर, फिर अगर उसमें से किसी हेडिंग के सर मुझे डिटेल चाहिए होती है ना कि वो भूल गया हो या कुछ ना, तो फिर सर मैं अपने लॉन्ग नोट्स से सर फिर उसको रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो जब वो बना रहे हो ना, क्या कहते हैं नाइला, आप बना रही हो ना, क्या कहते हैं जब शॉर्ट नोट्स आप बनाती हैं, आप सिर्फ हेडिंग्स लिख रही हैं, तो हेडिंग्स के नीचे अगर आप बस एक दो वर्ड लिख लिया करो। देखो लॉन्ग नोट्स होते हैं इलेबोरेटेड, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स का ये होते हैं ना कि आप उसको एक बार उठाओ ना तो फिर आप अपने लॉन्ग नोट्स ना उठाने पड़े, ठीक है ना। आप वहाँ पे इस तरह करो कि जो भी मेन हेडिंग दे रहे हो ना उसके नीचे 2-3 बुलेट पॉइंट्स में लिख लो कि इसके इस हेडिंग के नीचे मैंने ये वाली बात करनी है। तो बार बार अपने लॉन्ग नोट्स उठाने वाली जो क्या कहते हैं बार बार उसके पीछे जाती हो ना, तो उससे जो है ना आपको मतलब ये चीज मत करो, ठीक है ना। बस उसके अगर बिल्कुल अगर आपको उसकी जरूरत हो, बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो, बिल्कुल उठाओ, ठीक है ना। लेकिन इस चीज से निकलने के लिए वो हेडिंग्स के नीचे 2-3 बुलेट पॉइंट्स में लिख लो कि इस पैराग्राफ में इस हेडिंग के नीचे जो है मैंने ये वाली बातें करनी है, तो आपके थोड़ी आसानी हो जाएगी। Got it, sir. ठीक है, सही। और कोई बात है क्या, नोट्स वगैरह क्या हिसाब किताब है? सर नोट्स तो मतलब मैं नहीं बनाती हूँ, मैं तो मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं ना सर ये मतलब इंटरेस्ट बेस पढ़ती हूँ ना। अच्छा, मतलब मैं इसको हर जगह से मतलब पढ़ती हूँ बस, मतलब फिर पेपर वाले दिन फिर भी क्वेश्चन पहली बार देखती हूँ। ये तो आप अपने साथ ऐसी मतलब वो कर रही हैं, क्या कहते हैं मजाक कर रही हैं, इस तरह क्या कहते हैं, हर किसी का पढ़ने का स्टाइल होता है, ठीक अपना होता है, मैं उसके हर किसी का कोई पढ़ने का स्टाइल होता है। मेरा एक दोस्त है वो भी 21 के अटेम्प्ट के लिए बैठा हुआ है, तो मतलब वो भी नोट्स वगैरह नहीं बनाता, वो भी इसी उसका भी स्टाइल यही है। लेकिन क्या कहते हैं कि जब जिस तरह पेपर के क्या कहते हैं दिन नज़दीक आएंगे ना, तो आपके ऊपर तो ये जो टेंशन है ना इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी,
फिर मसला ये होता है कि आप कोई चीज उठा के पढ़ना शुरू होते तो फिर आप किस तरह लगता है कि क्या कहते हैं ये तो मैंने पढ़ी हुई नहीं है, ये तो मुझे याद ही नहीं है। दूसरी बात ये, अगर आपके नोट्स नहीं होंगे ना तो क्या कहते हैं फिर आपको रिविजन करने में बहुत ज्यादा मसला होगा, ठीक है ना। और हो सकता है फिर उस वक्त आपके ऊपर क्या कहते हैं इतनी टेंशन आ जाए ना कि फिर आप पेपर में भी जाके कुछ ना कर सकें, ठीक है, खुदा ना खास्ता इस तरह हो सकता है। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अब इतना पढ़ रही हो ना, इतनी किताबें पढ़ रही हो, देखो लिखना तो तुमने वैसे भी है, लिखने की प्रैक्टिस भी तुमने करनी है, ठीक है ना। तो अभी से अभी ही टाइम है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी पढ़ रही है ना उसके साथ एक एक कोई ना कोई उसके साथ कोई पॉइंट जो है ना लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। कोई अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है ना। और अगर तुम्हारी सारी पेपर्स के लिए ही अप्रोच है तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है। तुम कम अगर किताब पढ़ो कम अज कम किताब में फिर हाईलाइट कर सको, या तो अपने लिए बाद में चीजें आसान करने के लिए। इस वक्त तो बंदे को पता नहीं चलता, तो कहते बस मैं पढ़ रहा हूँ मुझे सब कुछ याद हो गया है और क्या कहते हैं मैंने बस एक एक बार एक सारी चीजें कवर करी। लेकिन फिर जब आप लोग रिविजन में आते हैं ना तो फिर आपको मतलब काफी मसला होगा शुरू में, पहली रिविजन में आपको फिर बड़ा मसला होगा। तो थोड़ा कुछ ना कुछ अपने लिए नोट्स पर टॉपिक जो है ना बनाओ, चार पांच पॉइंट्स लिखो लेकिन बनाओ जरूर, ठीक है। अच्छा ये साजिदा शायद कोई बात कहना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये है ना कि मैं जब नोट्स बनाती हूँ तो बहुत लेंथी बना लेती हूँ ना, ठीक है, कितने और फिर जब उसको मतलब ज्यादा ज्यादा पेजेस के होते हैं हर चीज मुझे उसमें अहम लगती है। अच्छा, और फिर जब मैं उसको शॉर्ट करती हूँ फिर मुझसे वो शॉर्ट नहीं होते, मतलब मैं चाहती हूँ कि उसको मैं शॉर्ट में करूँ लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं ये चीज भी अहम है, ये भी इसमें होनी चाहिए, ये भी अहम है, ये भी, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब किस स्ट्रेटेजी से आप लोग करते हैं? आपके जो नोट्स होते हैं पर टॉपिक कितने पेजेस के होते हैं, मतलब यूजुअली कितने पेजेस के आप बना रही हैं लॉन्ग नोट्स अपने? सर वो ज्यादा होते हैं, कभी 7-8 के होते हैं, कभी मतलब उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। और फिर वो मतलब हर टॉपिक पे हर पॉइंट फिर मैं ले आती हूँ ना, हर लिहाज से उसको कर लेती हूँ लेकिन फिर शॉर्ट नहीं करो। अच्छा चलिए ठीक है, सही है। अच्छा एक तो ये बात हो गई है। अच्छा देखो नोट्स जो है ना पर टॉपिक ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। इमरान खान साहब, अच्छा ये डिपेंड करता है कि टॉपिक किस किस्म का है, कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके लॉन्ग नोट्स जो है ना 4-5 पेजेस जो है, मतलब बोथ साइड्स में मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं मतलब इसके हिसाब 7-8, ठीक है, मतलब अगर दोनों साइडों का आप कह रहे हैं 7-8 बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं इमरान, अपना अगर आपने कोई बात करनी है तो बात कर दें, अगर बात नहीं करनी है तो अपने माइक म्यूट कर दें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो इतने ठीक है, काफी है। लेकिन अगर लॉन्ग नोट्स, अब अगर भी तुम उसको लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स में नहीं कर सकती हो ना तो खैर है, जिसको अभी लॉन्ग नोट्स बना लो, ठीक है ना, जिस वक्त रिविजन करने लगो ना तो फिर उस वक्त शॉर्ट नोट्स बना लेना। खैर इसमें मैं आपको फिर भी बता दूंगा, लेकिन इतना कुछ नहीं है, मतलब लॉन्ग आपको उसको वन पेजर पे लेकर आना है, ठीक है ना। अभी जब आप मेरे नोट्स शायद देखें तो आपको शायद थोड़ा कुछ अंदाजा हो जाए कि मतलब ये जो है ना, मतलब क्या कहते हैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो हैं किस किस्म के होते हैं। और मैं आपको बता भी दूंगा मैंने कॉमा कहाँ पे यूज़ किया, मैंने सेमी कॉलन कहाँ पे यूज़ किया। तो आपने मतलब अपने ही मतलब आपने नोट इस तरह मतलब लॉन्ग से शॉर्ट में उसको इस तरह लेकर आना है कि मतलब आपने मतलब आपकी अपनी एक डिक्शनरी होनी चाहिए जहाँ पे मतलब एरो मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है तो ये मेरी जो है मतलब वो जो क्या कहते हैं मैंने हेडिंग के नीचे जो बात लिखनी है वो है, या मेरे जो मैंने जहाँ पे कॉमा डाला हुआ है तो वहाँ से मेरी नई बात शुरू हो रही है। तो इस तरह करके आपके मतलब शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। और आजकल तो YouTube पे सब कुछ है, YouTube पे ऐसी सर्च वगैरह कर लो हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, कुछ ना कुछ मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब आपके अपने लिए थोड़ा आसान कर लो। और मतलब हर चीज जो आपको इम्पोर्टेंट नजर आती है चलो ठीक है, मतलब मेरा भी मुझे तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आती थी मैं तो वही लिखता था अपने साथ, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं क्या मतलब जिस तरह आप अभी कर रही हैं ना, आप करती ना फिर आप इस तरह करना ग्रुप में अपने कोई क्या कहते हैं वो सेंड कर देना कोई एक आध टॉपिक के नोट्स, तो मैं जरा वो नोट्स देख लूंगा ना तो फिर उसके बाद जरा मुझे अंदाजा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह शॉर्ट करना है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। अच्छा और कोई सवाल हो किसी का?
सर माजबी ने हैंड रेस किया हुआ। जी जी बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पता क्या मसला है, मैं पढ़ती हूँ तो लिखती हूँ साथ साथ, पर जब मैं नोट्स बनाने जाती हूँ मेरा दिल नहीं करता मैं नोट्स बनाऊँ। अच्छा तो सर यही बात है, मतलब लिख लिख के मुझे याद आ जाता है, मतलब मैं क्या लिख रही हूँ मुझे समझ आ जाती है, अंडरस्टैंड कर जाती हूँ। नोट्स बनाते वक्त मुझे ये होता है ना कि मतलब अब मैं सारा ये लिखूंगी, फिर वो जो मैंने याद किया होता है ना, फिर वो उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, तो मेरा ये मसला है। तो बस ठीक है, जो उस वक्त आप जो लिख रही मसूई आपके नोट्स बन रहे हैं ना, कि नहीं ऐसा नहीं है सर? मतलब मैं इस चीज को नहीं ना समझ पा रही कि जी जी बोले। नोट्स मेरे हाल से बन भी रहे हैं लेकिन वो उस स्टैंडर्ड के नहीं ना बन रहे होते, मतलब अभी आपने बोला लॉन्ग नोट्स हैं या शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ बुलेट में बनाते हैं जी, तो जी। उस तरह मतलब एक पैटर्न वाइज जो नोट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो आपको आप ये चाहते हैं कि आपके नोट्स जो हैं पैटर्न में हों, के मतलब आप क्या चाह रही हैं कि आपके नोट्स किस किस्म के हों? सर मैं चाहती हूं मैं अच्छे नोट्स बनाऊं। अच्छा यही मैं चाह रही हूं और क्या चाह सकती हूं। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये जब आप भी इस तरह करना अपने कुछ ना थोड़े बहुत नोट्स जो हैं आपने जो बनाए, मतलब जो आप लिख लिख के याद करती हैं पढ़ती हैं, ठीक है ना, तो आप वो भी आप जरा भेज देना, वो मैं देख लूंगा तो थोड़ा मुझे अंदाजा हो जाएगा ना, मैंने देखे हुए नहीं है तो मतलब मैं आपको ऐसी मैं कह रहा मिस गाइड ना कर दूँ, ठीक है ना। जो मैं आप भी भेज देना और साजिदा भी भेज देंगी, तो वो मैं जरा देख लूंगा ना तो फिर मुझे जरा ठीक से पता चल जाएगा। मैं अपने नोट्स भी जो है शेयर कर दूंगा आप लोग मेरे, मतलब मैंने जो और नोट्स बनाए हुए हैं आप लोग के लेक्चर्स जो मैंने बनाए हुए हैं ना उन्हीं से मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे तो शायद आपको मेरे पैटर्न का थोड़ा पता चल जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी बोले। और मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बताता हूँ सर कि मैं किस तरह करता हूँ। तो सर मैं इस तरह एक पेज लेके सर टॉपिक ऊपर लिख देता हूँ, पहले जो अभी हमारी सिस्टर ने बात की माजबीन ने के स्टैंडर्ड के नहीं बनते थे ना नोट्स, तो मैं मतलब सारा वो टॉपिक नीचे राइट डाउन करके वो कंक्लूड करता था। अभी मैं सर इस तरह नहीं करता, मैं टॉपिक नाम लिखता हूँ और मतलब एक दो दिन तीन चार पांच दिन में मतलब जिस टॉपिक भी उससे रिलेवेंट मेरे पास सोर्स आ जाती है, मतलब कोई अच्छी चीज, तो उसमें मतलब सर मैं हेडिंग के थ्रू या बुलेट्स के थ्रू उधर ऐड करता जाता हूँ। तो इस तरह 15-16 दिन बाद मतलब मेरे 10-15 टॉपिक्स अच्छी तरह से जो है ना वो स्टैंडर्ड नोट्स बन जाते हैं सर। अच्छा। मतलब मैं खाली जगह छोड़ के साथ साथ नोट करता जाता हूँ, जब अभी ट्यूशन वगैरह ले रहे तो साथ में सर डेवलपमेंट हो रही है नोट्स की भी, और सर यही है बस। नहीं ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, ये वाली जो अप्रोच है आपकी बहुत अच्छी है। देखो मैंने शुरू में बात की है कि हर किसी का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। अब देखो अभी हामिद ने शायद बात की है, ठीक है, हामिद ने कह के मैं इस तरह नोट्स बनाता हूँ, मेरे पढ़ने का स्टाइल ये, माजबीन ने कह मैं पढ़ पढ़ के लिखती रहती हूँ, पढ़ने का स्टाइल ये, ठीक है। उससे पहले किसी और ने बात की थी, नाम मैं भूल गया, उन्होंने कह के मतलब मैं पढ़ रही होती हूँ बस, मैंने मेरा वही है, ठीक है ना। तो हर किसी का पढ़ने का स्टाइल ये होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन ये मैटर नहीं करता, तो ये तो मैटर नहीं करता कि आप लोग पढ़ने का आपका स्टाइल क्या है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, मतलब एग्जाम से पहले वो सारी नॉलेज आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए, तो जब आप पेपर के लिए जाएं आपके पास नॉलेज हो, क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सको, उसको आंसर कर सको। अब पढ़ा तुमने जिस किस्म तरह भी हो, चाहे तुमने तीन किताबें पढ़ी हो, तुमने शायद नोट्स बनाए ही ना हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, मुझे जरूरत थी। अब जैसे माजबीन ने कहा कि मैं पढ़ते पढ़ते लिखती हूँ, मेरा ये कर मैं ये करता था कि मैं किताब उठाता, जो सा टॉपिक मैंने करना होता था मैं किताब उठाता था, ठीक है, किताब में उसको पूरी रीड दे देता था, रीड देते वक्त जो जो सी बात मुझे इंपॉर्टेंट नजर आती थी उसको मैं हाईलाइट कर लेता था, ठीक है। फिर मैं निकालता था यूट्यूब पे, मैं देखता था कि इसकी कोई अच्छी सी वीडियो है, अच्छी सी वीडियो मैं देखता तो उसके अंदर कोई एक आध इम्पॉर्टेंट बात की होती थी, उसको पॉज करते करते जो है ना मैं जो वो वाली जो बात है ना वो मैं अपने अपने साथ लिख लेता था, ठीक है। मैं फिर ये और बाकी गूगल वगैरह USAHistory.organization उसको क्या कहते हैं ORG उसको उठा के देखता था, उसके अंदर वही रेलेवेंट टॉपिक, मतलब वही मतलब एक ही टॉपिक मैं तीन चार जगहों से उठा के जरा देख लेता था ना, तो यहाँ पे इससे ये बात की हुई है, यहाँ से ये इसने ये बात की है, यहाँ से इसने ये बात की हुई है, ठीक है ना। तो फिर उसको मैं अपने
जो नोट्स है ना उसको मैं उसमें ले आता था, मतलब वो थोड़ी नीट फॉर्म में. लेकिन मैं अब पता ये मतलब मैं किस तरह पता करता था कि मैंने इसके अंदर ये टॉपिक जो है, मतलब इस टॉपिक में मैंने ये चीजें मैंने जो है कवर करनी है, वो आपको पता चलती है किससे? वो आपको पता चलती है पेपर से. हेलो जी सर, हमें आवाज आ रही है. आवाज आ रही है, ठीक है, सही है. तो वो चीजें हैं ना, वो आपको पास पेपर से पता चलती हैं कि यार मैंने इस टॉपिक में, इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इस सवाल के साथ ये लोग कौन सी टेल जो है ना उसको अटैच करते हैं. तो जब तुम लोगों की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 सालों के पेपर तुम लोग देख लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मतलब इन्होंने बात की थी कि मतलब मैं, मुझे हर चीज इंपॉर्टेंट नजर आती है. तो फिर तुम जब पेपर देख लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इतना इन डेप्थ करना है, इसको मैंने इतना इन डेप्थ करना है, इसको मैंने छोड़ देना है, हाँ इसको इसमें मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है. जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. अब इसमें ये चार चीजें नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आएगा इन्हीं चार चीजों में से आता है, या ज्यादा से ज्यादा ये जो अमेंडमेंट्स है ना इससे अब हो सकते आ जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से जब सवाल आते हैं ना वो इन्हीं तीन चार जो चीजें ना इससे आते हैं. हमारे बारे में आया है 2020 में कि सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे क्या कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इसके ऊपर उसने सवाल किया था, ठीक है. इससे पहले फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आए हुए, फेड्स वर्सेस एंटी फेड्स आए हुए, प्रॉब्लम्स इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड इट्स कंट्रीब्यूटर्स आए हुए, ठीक है. तो मुझे पता है कि अब इन तीनों, इन चारों चीजों से ही सवाल करने हैं, इन चीजों को मैंने फुल इन डेप्थ किया, कि मुझे पता हो कि अब इनमें अगर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक कर रहा हूँ ना तो मुझे पता हो कि मैं, तो फिर मैंने स्पेसिफिक टॉपिक इस तरह किया हो कि अब इसमें से किसी किस्म के भी वो सवाल आ जाए ना, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं हर किस्म के सवाल को जो है ना उसमें आंसर कर सकूँ. तो ये जब आप लोग पास पेपर देख लेंगे ना तो आप लोगों का बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है. ठीक है, सही है. अच्छा अभी तक अब भी अगर कोई सवाल हो तो पूछो. है किसी का कोई सवाल अभी भी, अगर कोई एम्बिग्विटी हो? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम सर, सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं माइक ऑन है क्या था. खैर कोई बात नहीं, आप तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे. अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके अभी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी तैयार नहीं हुए और उनके नोट्स अभी उसके कंप्लीट नहीं हुए, तो वो अभी ऑप्शनल्स के पीछे भाग रहा है, तो सर उसको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अब के कैसे ये लेकर चले, और क्या उसके लिए कोई मोटिवेशन है कि जिसने अभी तक ऑप्शनल कोई भी अभी तक सही तरीके से प्रेप नहीं कर सका, ना उसके नोट्स बना लिए हैं ना ही उसकी जो कोर बुक्स हैं उनको स्टडी कर सका है. अच्छा ठीक है, आप आपने आप आपकी तैयारी का कितना टाइम हो गया सर? पास्ट 3-4 months से ये सारा लेकर चल रहा हूँ. क्या क्या लेके चल रहे हो सर? जो अपने पाकिस्तान अफेयर्स है इसके के लिए स्टडी कर रहा हूँ, और जो करंट अफेयर के लिए मैगजीन्स वगैरह उनको फॉलो कर रहा था, और न्यूज़पेपर कॉन्स्टेंटली जो है वो टाइम निकाल के पढ़ रहा हूँ. उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज हैं, उसके ऊपर एक दो एकेडमीज हैं, उनके सर लेक्चर भी अटेंड कर रहा हूँ. अच्छा ऐसे जी सर. अच्छा, ठीक है. तो नहीं कोई नोट्स वगैरह बनाए या कुछ टॉपिक कवर किया हो, क्या हिसाब किताब है सर? ऐसे है कि यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बल्कि आई थिंक जो भी एक एस्पिरेंट है उसके साथ ये कन्फ्यूजन शुरू में रहता है कि जब वो नोट्स बनाने लगता है तो वो कहता है यार कि पहले मैं कुछ बुक्स को, एक दो बुक्स हैं उनको स्टडी करूं, उसके साथ बाद में नोट्स बनाऊं क्या हो रहा है. तो मैं भी ये करता हूँ सर कि कोर बुक है उसको स्टडी करता हूँ, उस टॉपिक के जिसके नोट्स बनाने हैं उस. सबर, वेट वेट वेट, अपनी बात मत करो, सबर करो, मुझे आवाज नहीं आ रही. करता हूँ करो, कुछ उससे मिल रहा है क्या तरीके से. ये आखिर में जो बात की है जरा फिर से बोलो, मैं आवाज मुझे नहीं आ रही थी आपकी बिल्कुल, जो आखिर में जो आपने बात की है. सर मैं ये कह रहा था कि जो कोर बुक है उसको फॉलो करके जब नोट्स बनाने लगता हूँ उसको स्टडी करता हूँ किसी टॉपिक की.
तो फिर उसके बाद सर YouTube के ऊपर कुछ लेक्चर्स ढूंढ लेता हूँ या फिर कोई और कहीं से सोर्सेज हैं उनसे कोशिश कर लेता हूँ या एक दो दोस्त हैं उनके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद नोट्स के पीछे जाता हूँ सर। ठीक है ठीक है। नहीं देखो तैयारी तो तुम्हारी हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ऐसे ही बैठे हो, जब टाइम तुम दे रहे हो एक चीज को तो तैयारी तो तुम्हारी हो रही है, सिर्फ इसको तुमने थोड़ा जो है ना स्ट्रीमलाइन करना है। अब तुम्हारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं सर? मैंने यूएस हिस्ट्री है सर, मैथमेटिक्स ऑप्शन रखा हुआ है, आईआर ऑप्शन रखा हुआ है और सोशियोलॉजी। अच्छा सोशियोलॉजी भी तुम्हारी यहाँ पे कवर हो जाएगी और यूएसए हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, और आईआर के लिए क्या कर रहे हो? सर आईआर के लिए बुक्स है ग्लोबलाइजेशन वाली, उसको स्टडी कर रहा हूँ सर, उसके पीछे लेक्चर दे रहा हूँ, मैडम शशि मलक हैं उनके लेक्चर्स थे। अच्छा ठीक है सही है। और मैथमेटिक्स के लिए इंजीनियर हो आप? सर खुद मास्टर्स किए मैथमेटिक्स में, उसका इशू नहीं है सर। अच्छा फिर तो बेस्ट है, फिर तो बेस्ट है। अच्छा चलो ठीक है। अब इस तरह काम है कि चलो सोशियोलॉजी यूएस सर तुम्हारी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम्हें इशू नहीं है, आईआर की भी तुमने क्लासेस शुरू की हुई है, ठीक है। बाकी रह गया करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स तो वो तो तुमने मतलब शुरू किया हुआ है, तो वो तो अभी तो अगर दो तीन महीने तुमने उसके ऊपर लगाए हुए हैं ना, तो वो तो क्या कहते हैं मतलब तुम्हारे काफी अच्छे हो गए होंगे, ठीक है ना। दो तीन महीने करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स मतलब काफी बेहतर हो जाएंगे तुम्हारे। बाकी रह गए इस्लामियात, तुमने कहा थोड़ी बहुत इस्लामियात भी चल रही है, ठीक है। और बाकी रह गई है इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेस है, तो उसकी प्रैक्टिस का क्या क्या कर रहे हो सर? इंग्लिश ऐसे बहुत ही ज्यादा इंग्लिश मतलब मेरी वीक है सर। अच्छा, इससे मुझे डर लगता है, इस पेपर से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अच्छा। और एवरीडे साइंस? सर एवरीडे साइंस को स्टडी कर लेता हूँ, उसके कोई नोट्स अभी तक नहीं बनाए सर। ज्यादा फोकस पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि मुझे जिन सब्जेक्ट से डर लगता है सर पहले मैं उनके प्रेप कर रहा हूँ। देखो ये चलो ठीक है, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है ना, जिस तरह तुम्हें ठीक लगे तुमने उसी तरह करना है, ठीक है। मुझे तो जिस तरह लगता है जितनी मतलब अगर तुम ये क्लासेस वगैरह लेते हो उसके साथ साथ ये सारी चीजें कवर कर रहे हो ना तो ठीक है, लेकिन मुझे मैं सिर्फ इस बात पे डर हूँ कैसा ना हो कि तुम मतलब ये हैजर्डली सारे काम एक साथ करोगे ना, तो फिर तुम्हारे ऊपर टेंशन अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है सर। ठीक है ना, तो अब तो तुमने अब तैयारी अपनी तुमने सर शुरू की हुई है कि तुम करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस तुम खुद कर रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस भी ले रहे हो, तो अगर अब तुमने अपनी तैयारी इसी तरह शुरू की हुई है ना, तब इसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू मत करो, अपनी अप्रोच को मत बदलो, ठीक है। क्योंकि देखो सितंबर तो ऑलरेडी आया हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी मतलब तुम्हारे पास तकरीबन 4 से 5 महीने रह गए हैं, तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि अब इसी तरह लगे रहो, लेकिन जो उनसे भी तुम्हारी चीजें ना उनको सारे की सारों को तुम कवर कर लो, ठीक है। ठीक। बाकी रहे कि ऐसे और प्रेस से तुमको ऊपर मतलब मैं कोई इतना माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन हमने जिन लोगों से बात सुनी है इंग्लिश अच्छी करने के लिए मतलब अखबार भी पढ़ते हो, एन मार्टिन की जो बुक है ग्रामर वगैरह अपनी अच्छी करो, पास पेपर्स वगैरह अटेंड करो, मतलब इंग्लिश का किसी से सही तरीके से पूछो। अब मैं तुम्हें बहुत सी चीजें एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन मतलब अब मैं कह रहा हूँ ऐसा ना कि तुम मिस गाइड हो जाओ ना, या मतलब कुछ और मतलब जो तुम्हारा ऑलरेडी जो काम चल रहा है ऐसा ना हो कि वो रुक जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स तरह तुम देख लो कि अभी तक तुमने कितनी कवर कर लिया, अगर ये इनफ से पास पेपर उठा के देखो तुम देखो कि तुम अभी जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके ऊपर तुम उन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। जहाँ पे तुम मिसलैप कर रहे हो ना तो वहां पे तुम पढ़ लो करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स, अगर कि तुम्हारी करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि तुम जो है क्या कहते हैं मतलब बेहतर हो गए हो ना, ठीक है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स को है ना साइट पे करके ऐसे हो इंग्लिश वगैरह है ना इसको टाइम देना शुरू कर दो, जी सर, ठीक है। अगर अभी से अगर तुम देखो अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी इंग्लिश वगैरह कमजोर है तुम इनसे डर रहे हो ना, तो ये डर खत्म करने में 4-5 महीने तो मतलब तुम्हें फिर 4-5 महीने इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी चाहिए, या अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो तुम बाद में जो है ना थोड़े फ्री माइंड होगी, इस चीज की टेंशन नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि अगर तुम एक पेपर की भी टेंशन अपने दिमाग के ऊपर छोड़ते हो ना तो तुम्हारे 12 के 12 इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल यही बात, ठीक है ना। तो अभी से तुम ऐसा करो कि मतलब करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स को अपना चेक कर लो, ठीक है ना, करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स हमारा जो है मतलब किस पोजीशन के ऊपर, पास पेपर उठा के देख लो, 2 सवाल अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना, फिर आफ्ताब भाई को भेज दो उनसे मतलब पूछ लो, ठीक है, और उसके बाद अगर तुम ऐसा लग रहा है कि हाँ तुम्हारी अब बेहतर हो गए हो तो मतलब तुम इससे देखो किसी भी हर पेपर जो है ना जो सी पेपर है करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स यूएसए हिस्ट्री आपने हर एक की ठीक ठाक तैयारी करनी, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की ओवर तैयारी नहीं करनी, क्योंकि जिस
मतलब अगर तुम एक महीने में करंट अफेयर्स कर सकते हो, अगर तुम उसको दो महीने दे रहे हो ना, तो तुमने एक महीना किसी और सब्जेक्ट से उठा के उसको दे दिया, ठीक है ना, तो फिर तुम्हारा वो वाला सब्जेक्ट जो है ना सफर करेगा, ठीक है ना। तो तुमने सारी चीजों 12 के 12 सब्जेक्ट को ऐसे लेकर चलना है ना कि तुम मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलिए कि तुम्हारे सारे ओवरऑल जो पेपर, क्योंकि देखो 12 के 12 पास करने, नंबर वन, नंबर टू 600 का जो थ्रेशोल्ड है तुम्हारा वो तुमने कवर करना है, और नंबर थ्री तुमने इतने मार्क्स लेने कि तुम्हारी एलोकेशन हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखते हुए तुम अपनी अप्रोच को जो है ना अभी तक इंशाल्लाह तुम्हारी अप्रोच, मतलब जिस तरह तुम लगे हो, मैंने तुम्हारे पढ़ने के स्टाइल यही है ना, एसी में लगे रहो, लेकिन थोड़ी फिर भी चीजों को थोड़ा अपने लिए स्ट्रीमलाइन कर लो, या अपने लिए कोई मतलब गोल्स, देखो तुम अपने लिए गोल्स रखते हो? सर टॉपिक वाइज सेलेक्ट करता हूं, टॉपिक वाइज मतलब सर ऐसे ही कि फॉर एग्जांपल ये जो है कि एक वीक है, फॉर एग्जांपल ये करंट वीक की अगर बात करूं तो इस वीक में सर मैंने जो पेपर्स उठाया है उस पेपर में जो आउटलाइंस जो हमें सिलेबस में हमें जो आउटलाइंस दी गई हैं, जो हमें सिलेबस दिया गया उससे रिलेटेड पेपर में जो क्वेश्चन आया है सर, उस क्वेश्चन को देखता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से किधर से निकल कर आया, फिर सर उस टॉपिक को फॉर एग्जाम्पल एक वीक में 2 से 3 टॉपिक्स रख लेता हूँ कि इनको मैंने प्रेप करनी है, इनकी तैयारी करनी है, आ गया। अच्छा ठीक है, सही है, बस ठीक है, सही है, भाई लगे रहो, बस इसी तरह लगे रहो, ठीक है ना। जो हिस्ट्री के मुतलक तो कोई सवार नहीं है कोई, मतलब सर अभी का सेमिनार मैं सर अभी ज्वाइन किया है, पहले इधर स्कूल में आया हूँ सर, टीचर हूँ। अच्छा। और इधर काम कर रहे थे तो अभी भी निकाली है, ऑनलाइन हुआ मैंने। अच्छा। कहा कि चलो ठीक है, खैर आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, कोई इतना मसला नहीं, बीच बीच में भी हम लोग किसी तरह सवाल वगैरह एक दूसरे से करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कुछ मैं आप लोग मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगा, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा सब, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। अच्छा रुबीना, आपने शायद की बात करनी है, ओके थैंक यू। हेलो सर, मेरा यूएसए हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है, वैसे जनरल है। हां जी पूछें सर। ये केपी वालों का सुना है कि मतलब इनके लिए ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती ना, बस सिर्फ पास करना होता है ना, इनकी एलोकेशन आराम से हो जाती है, तो ये सही है? ये आपने कहाँ से सुना है? आपने बातें बहुत सी सुनी है होमा। सर ये लिखती नहीं है ना, नोट्स नहीं बना रही, तो इधर उधर से सर आधी अधूरी बातें इसके माइंड में रह जाती है। देखो अब क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये जो है ना बस आपने देखो मेहनत अपनी पूरी करनी है, ठीक है ना, और बस पेपर देने हो, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है, ठीक है। सर वो इनकी सीट्स आधी रह जाती ना, लोगों ने पास नहीं किया होता है, सिर्फ पास करना होता है। ये बात मैंने भी सुनी हुई है कि ये पास नहीं होते हैं, एक ही पीके वालों की सीट्स रह जाती हैं, ये वो। लेकिन देखो अगर तुमने, आप क्या बनना चाहती है, क्या नाम है आपका, हुमा नाम है? हाँ, क्या बनना चाहती हैं आप, कौन से ग्रुप में जाना चाहती हैं आप? सर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपको सिर्फ पास से तो नहीं मिलेगा, उसके लिए तो आपको बहुत ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 700 प्लस मार्क्स तो आपके रिटर्न में होने चाहिए। तो वो तो जब है, आप ये मत कहें कि आप देखें, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना सर, जी जी जी, फीमेल का तो कोटा भी होगा ना सर? हाँ हाँ होगा होगा, आप हुआ हुआ है अभी से, आप ये ऐसे। सर मैंने सुना है कि पंजाब के बाद केपी वालों का ज्यादा मतलब वो होता है, इशू होता है डोमिसाइल के लिहाज से। हाँ इस तरह होता है, लेकिन देखो इन चीजों के ऊपर क्या कहते हैं, मतलब ये होता है, मेरे साथ भी सर होता था, हम लोग भी सुनी सुनाई बातें इधर उधर से, मतलब पता नहीं कभी गूगल में उठा के देख लेते थे, पीएस वर्सेस पीएसपी पूरे पूरे फॉरम उठा के देखते थे ना, तो ये सारी होती हैं चीजें। लेकिन मतलब इतना ज्यादा इसको, इसमें अपने आप को मतलब वो इंडल्ज मत करो ना, मतलब इन चीजों के ऊपर इतनी, हाँ इतनी वो मत करो, मतलब इतने इसको क्या कहते हैं हवा मत दो, या इतने इसके बारे में मत सोचो, बस अपना काम ठीक तरीके से करो, ठीक है। अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखो, अपनी मेहनत पूरी कर लो ना, मतलब देखो जिस वक्त तुम पेपर दे के आओ, ठीक है ना, जब तुम्हारे 12 के 12 पेपर हो जाए, तुम्हारी जो तैयारी, कम से कम तुम्हें बाद में ये रिग्रेट ना हो कि हाँ इस वक्त भी मैं कुछ अच्छा कर सकता था अपने इस टाइम में, ठीक है ना, और मैंने नहीं किया। मतलब वो कहते हैं ना लीव नो टेबल्स अनटर्न्ड, मतलब अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ, अपना पूरा टाइम दो इस चीज को,
ठीक है ना, बाकी पेपर दो और उसके बाद जो है ना मतलब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, ये बाकी जो सारी चीजें हैं इसमें मैंने किसी का एक ट्वीट देखा एक सीएसपी का, कहता है जब आप लोगों की एलोकेशन होगी तो आप लोग देखोगे कि मतलब ऑल इट मैटर्ड वाज अ लिटिल बिट ऑफ लक, कुछ इस किस्म की उसने कोई बात की थी, मतलब आप आखिर में देखोगे मतलब जो आपकी एलोकेशन हुई हो क्योंकि थोड़े बहुत मतलब एक लक की वजह से जो है ना आप लोगों की एलोकेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप में हुई होगी। तब मेरी तो मैं तो खुद मतलब क्या कहते हैं आप लोगों तरह एस्पिरेंट हूँ, मैंने सिर्फ इतना है कि मैंने चीज जो है आप लोगों से 14-15 टॉपिक्स जो है ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो मतलब है तो हम सारे एक ही पेज के ऊपर, ठीक है ना, तो देखते हैं बस खुदा सबके लिए बेहतर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा और सर आपके बाकी ऑप्शनल कौन से हैं? मेरे आईआर था, मेरा जेंडर स्टडीज था, पश्तो थी, यूएसए हिस्ट्री थी और इंटरनेशनल लॉ था मेरा। पर इंटरनेशनल लॉ है आपका? अब इंटरनेशनल लॉ था मेरा लेकिन इस बार मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का पेपर 2020 में बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब और गरीब पेपर आया था। सर आप पश्तो नहीं पढ़ा सकते? जी सर पश्तो नहीं पढ़ा सकते? पश्तो तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, पश्तो क्या कहते हैं मतलब निपश तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी एक बंदे ने क्या कहते हैं कोई सेशन वगैरह वो शुरू कर रहा था, मैंने हमारे जो सर का ग्रुप है मुझे लगता है मेरे सर का स्टूडेंट ही है वो, तो मुझे लगता है अगर उसका मैं देखूंगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा अगर आप उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो। सर इसमें मुश्किल क्या चीज है पश्तो में? अच्छा पश्तो और जो हमारी जो बातें हैं काफी जनरल हो गई लेकिन चलो फिर भी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो। अच्छा नहीं कुछ पढ़ने है आज यूएसए हिस्ट्री का कुछ पढ़ने है कि नहीं, मतलब आप लोगों ने इसी तरह जनरल डिस्कशन करनी है? नहीं नहीं सर जनरल डिस्कशन नहीं, पढ़ा सर जो पढ़ना है। चलो ठीक है बस फिर कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा आपने क्या सवाल किया अभी, किसी ने कोई सवाल किया? सर मैंने वही पश्तो वाला किया था लेकिन उसको छोड़ दे बस अब। ठीक है सही है। अच्छा चलो ठीक है अभी कुछ ना कुछ देखो थोड़ा बहुत कॉलोनाइजेशन वगैरह शुरू कर लेते हैं, तकरीबन कितना 1.5 घंटा पौने 2 घंटे हो गए सही है तो। अच्छा यहाँ पे अच्छा और तो अब तो आखिरी बार कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो अप्रोच के लिहाज से कि मतलब हमने क्या पढ़ना है किस तरह पढ़ना है क्या होना है, ठीक है ना, कोई भी अभी फिर एक बार फिर आखिरी बार पूछ रहा हूँ कुछ है? सर ये आप ये ग्रुप बनाएंगे आप इसका यूएस हिस्ट्री का या बस ऐसे ही सर आपने मतलब क्लासेस लेनी है? नहीं तो नंबर मिल सकते हैं? नंबर तो है उसके अंदर क्या कहते हैं ग्रुप में जो है वो जफ्ताब भाई आपको जो ग्रुप है सारा, और दूसरा अगर कोई यूएसए हिस्ट्री का कोई ग्रुप वगैरह बनाना हो तो बना लेंगे उसमें तो कोई मसला नहीं, वहाँ पे मतलब जो मैंने इनको कहा कि अपने नोट्स वगैरह शेयर कर ले मैं जरा देख लूँ तो मतलब वो चीजें मतलब कर लेंगे कोई ग्रुप वगैरह बना लेंगे, ठीक है ना? जी सर। चलो ठीक है बस चलो यहाँ बस इंट्रोडक्टरी क्लास यहाँ पे खत्म, ठीक है अब आगे जाते हैं कुछ ना कुछ मतलब पढ़ लेते हैं। Excuse me. Hello. सर आपने पश्तो के लिए कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे? मैंने सिर्फ पश्तो के लिए बुक्स फॉलो पश्तो के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी या कौन सी बुक्स फॉलो की थी? मैंने तो सिर्फ एक ही बुक मुझे रेकमेंड की गई थी पोहाना। यस सर यही थी। मैंने तो सिर्फ वही फॉलो की थी, मैंने तो और कोई फॉलो नहीं की थी। खैर पश्तो की भी आउटलाइन क्या कहते हैं मेरे पास मौजूद है, अगर ये हिस्ट्री के बगैर अगर किसी ने पश्तो के बारे में कोई थोड़ी बहुत मतलब मैंने जो किया हुआ या मुझे जो मेरे सर ने मुझे बताया हुआ या उनसे मैंने जो सीखा हुआ तो वो मैं आप लोगों तक कोई और कोई क्लास वगैरह ले लेंगे और कोई और कोई सेशन खुद ही से कर लेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा अगर पश्तो में आप लोगों को कोई वो हो क्या कहते हैं कोई मसला हो, लेकिन ये अगर तुम लोग एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम लोग को लिखना या पढ़ना सिखा दूंगा पश्तो तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।
नहीं सर, मुझे लिखना भी आता है, मैं पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मेरे पास वो मटेरियल्स नहीं है कि मतलब कौन कौन से बुक्स को मुझे फॉलो करना चाहिए। नहीं नहीं, पुहाना बेस्ट बुक है, एक ही बुक रखो पुहाना, उसमें सब कुछ, उससे आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सर क्या नाम है? सर पुहाना। सर जी 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 सर, आपका ना वो टाइम लिमिट नहीं है ना इसके जूम की, तो हम लोग बीच में थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स की, क्योंकि कुछ लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ ना। अच्छा, मैंने भी नहीं किया हुआ है। सर आप भी कर ले। अच्छा ठीक है, इसको मैं पहले सबर लेते हो, ब्रेक लेते हो सारे, अगर कहते हो ब्रेक लेते हैं तो ले लेते हैं। चलो ठीक है, मैं आपसे रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, कितने बजे आओगे वापस? सर 20 मिनट बाद। 20 बस 11:15 पे, मतलब 11:15 पे मेरा लेक्चर शुरू हो जाएगा, आप लोग 11:10 पे आ जाएं, ठीक है? जी सर, सही है। सर ये लिंक सेम रहेगा इसका? बस ये मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। बस ये रिकॉर्डिंग मैं पॉज कर लेता हूँ, जब आप लोग आएंगे फिर मुझे याद दिला देना कि रिकॉर्डिंग वापस हो करनी है, ठीक है? ओके सर, ओके सर, खुदा हाफिज़। अच्छा चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा बीच बीच में अगर कोई सवाल बीच में कहीं पे भी, पहले मैं बैकग्राउंड खत्म करूंगा फिर इससे पूछूंगा, अगर कोई सवाल समझ ना आए हो तो फिर आगे जाएंगे, ठीक है? अच्छा अमेरिका जो था, मतलब ये जो अमेरिका की बात हो रही है ना, ये भी सिर्फ अमेरिकन स्टेट की बात नहीं हो रही है, जो अमेरिका जो आज का जो एक कंट्री है, ठीक है ना, ये पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है ना? अमेरिकन कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें अमेरिका भी आ रहा है, कनाडा भी आ रहा है, और बाकी जो साउथ में जो है मेक्सिको वगैरह, मतलब ये सारी हिस्ट्री, मतलब ये पूरी कॉन्टिनेंट की, मतलब पहले ये बात शुरू होती है, ठीक है ना? मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट वॉज अनएक्सप्लोर्ड इनहेबिटेड बाई, अच्छी जो कॉमर्स है ना इसका, ये एक कॉमा के बाद जो दूसरा कॉमा होता है ना वो अलग, मतलब इससे रिलेटेड बात होती है, मतलब अलग बात होती है, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट वॉज अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है, कॉमा इनहेबिटेड बाय रेड इंडियंस, ठीक है, द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाय यूरोपियन पावर्स, मतलब सिर्फ इस कॉमास के ऊपर, मतलब मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब ये मतलब अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना? मतलब थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा पता हो कि जब आप पढ़ें तो आप लोगों का थोड़ा अंदाजा हो ना, कि मतलब अगर आप इसको फिर एक पूरे पैराग्राफ की फॉर्म भी दे सके, तो अगर आपने इसको पैराग्राफ की फॉर्म देनी हो तो फिर आप लोगों को मतलब कॉमर्स को हटा के बाकी मतलब उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म दे सके, तो ये मतलब कॉमर्स में मतलब इतना कोई मतलब कंफ्यूज मत होना, मतलब ये बस एक ही चीज के बारे में अलग अलग बातें, ठीक है ना? तो ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था ये अनएक्सप्लोर्ड था, ठीक है ना? इसको इमरान खान हमेशा, अच्छा ये जो था मतलब इस वहाँ पे कोई अपनी कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं थी, ठीक है ना? उसके जो लोकल्स थे ना, वो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा रेड इंडियंस, ठीक है ना? रेड इंडियंस हुआ करते थे, वहाँ पे कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, ना किसी को पता था कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है, ठीक है? द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाई यूरोपियन पावर्स, उस वक्त की जो यूरोपियन पावर्स थी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल, ठीक है ना? मतलब अमेरिका के बारे में किसी को पता ही नहीं था, अमेरिका अगर एग्जिस्ट भी करता है, या इस किस्म का मतलब इतना बड़ा एक वास्ट लैंड जो है वो एग्जिस्ट भी करते हो, किसी को पता नहीं था। एंशिएंट थ्योरीज उस वक्त मौजूद थी कि मतलब जो वर्ल्ड जो है कहते थे कि राउंड नहीं है, ठीक है ना? और कहते थे कि मतलब इस किस्म की थ्योरीज मौजूद थी कि मतलब कि अमेरिका मतलब इस किस्म के एक लैंड जो है, बहुत बड़ा लैंड जो है, एजम्पशंस लोगों ने बनाई हुई थी, ठीक है ना, कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई इसको मानता था, कोई उसको नहीं मानता था, ठीक है? लेकिन उस वक्त प्राइमरीली जो मतलब जो जैसे अब आजकल देखो दुनिया के हालात है, ठीक है, अमेरिका और चाइना एक कोल्ड वॉर में लगे हुए हैं सुप्रीमेसी के लिए, ठीक है ना? मतलब पूरे ग्लोब के बारे में आपको पता है कि सिर्फ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलियन अलग से एक जजीरा है, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, एशिया, ठीक है ना, मतलब अफ्रीका, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब हम लोगों को आज के करंट लिहाज से हम लोगों को पता है। आप लोग ये तस्वर करें कि उस वक्त लोगों को अमेरिका के मतलब अमेरिका की कोई मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं था, और जो वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाई यूरोपियन पावर्स, मतलब जो मेन वो जो पावर पॉलिटिक्स थी, या मतलब जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो थी ना, या जो जो गेम ऑफ जो पावर होती है वो रिवॉल्व करती थी यूरोपियन पावर्स के अराउंड, मतलब जो मेन हिस्ट्री जो थी ना, या जो क्या कहते हैं जो उस वक्त मतलब हम क्या कहते हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो ज्यादातर यूरोपियन हिस्ट्री है,
इनकी जो आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती थी और कैसे यूरोप किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मतलब जो वर्ल्ड वॉज मेनली रूल्ड बाई द यूरोपियन पावर्स, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल, और ये लोग एक वो क्या कहते हैं पावर टसल में थे कि कौन मतलब जो है ना सबसे क्या कहते हैं सुपर पावर जो है ना इस वक्त की सुपर पावर कौन बनेगा, जिस तरह के आजकल अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ये जो चल रहा है ना क्या कहते हैं कि सुपर पावर कौन है, हम बाइपोलैरिटी है, मल्टीपोलैरिटी, हमने इसको यूनिपोलर लेकर जाना है, तो उस किस्म की मतलब इसी किस्म का सिनेरियो जो था ना उस वक्त इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन और पोर्चुगल के दरमियान था। अच्छा, अब पावर गेन करने के लिए, अच्छा पावर पावर गेन करने के लिए नहीं है, मतलब इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, मतलब उनको मतलब बहुत ज्यादा जरूरी था ना, मतलब जहाँ पे इकोनॉमी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी तो आपका डिफेंस उतना स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब क्या कहते अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है ना, अपने ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश करने के लिए और अपना जो होल्ड है ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसको स्ट्रांग करने के लिए, मतलब मेरी सबसे ज्यादा कॉलोनीज हो, मैं सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर रूल करूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा वास्ट लैंड हो जिसके ऊपर मैं रूल करूँ, उसकी जो रिसोर्सेज है मैं इस्तेमाल कर सकूँ अपनी पावर इसको स्ट्रांग करने के लिए और भी ज्यादा करने के लिए। तो उस वक्त की जो मेन पावर्स जो यूरोपियन पावर्स थी ना, इनका ये काम होता था कि ये डिफरेंट रीजन जो होते थे दुनिया के, ठीक है ना, उनको कॉलोनाइज करते थे, ठीक है, और वहां से जो है ना उनकी रिसोर्सेज वगैरह प्लंडर करते थे, या मतलब अपने आप को इकोनॉमिक डिविडेंड देने के लिए, गेन करने के लिए, वो जो टसल ऑफ जो पावर थी ना उसमें मतलब ये लोग डिफरेंट एरियाज को जो है ना कॉलोनाइज करते थे। अफ्रीका को इन्होंने कॉलोनाइज किया, जैसे आपको पता है क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह को इन्होंने कॉलोनाइज किया, इंग्लैंड ने कॉलोनाइज किया था थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि यहाँ पे एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट जो है मुगल्स की, मतलब एक वो मोनार्की जो थी वो मौजूद भी थी, लेकिन उसके बावजूद ही मतलब इनका काम ही यही था, ठीक है ना। तो मतलब इस किस्म का मतलब उस वक्त जो सिनेरियो जो था ना वो ये था, नंबर वन। नंबर टू बैकग्राउंड में कि उस वक्त जो था क्या कहते हैं मतलब हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, और ये लोग जो थे ना मतलब ट्रेड जो मेनली अभी भी होती है, लेकिन ट्रेड जो मेनली उस वक्त जो थी मतलब वो इसी तरह थी कि मतलब उसके थ्रू की जाती थी, मतलब ये नेवी के थ्रू की जाती थी या ओशंस में की जाती थी ना, ठीक है ना, मतलब हाई सीज इस्तेमाल होते थे, उसमें डिफरेंट क्या कहते हैं नेविगेटर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ठीक है ना। तो वो अपने लिए क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, तो अपने लिए नए नए ट्रेड रूट्स वगैरह मतलब शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट्स वगैरह जो है ना अपने लिए ढूंढते थे। अब तकरीबन 15th century में मतलब जो 1400s थे उसमें जो क्रिस्टोफर कोलम्बस था ये जो था मुझे लगता है था ये स्पेनिश लेकिन ये पोर्चुगीज क्या कहते हैं नेविगेटर था, ठीक है ना। तो मतलब जिस समय आपको बताया थ्योरीज वगैरह होती थी कि मतलब वर्ल्ड इज नॉट राउंड, मतलब एक इस तरह वास्ट लैंड भी मौजूद है, तो मतलब ये जो है ना ये वो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक नेविगेटर था, मतलब ये इस तरह चीजें मतलब एक्सपीडिशंस के ऊपर निकलता था। तो जाके मतलब इसने एक दिन जो है ना जाके अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लिया, ठीक है ना, मतलब इसको पता चल गया कि हाँ मतलब अगर मैं यूरोप से निकल के इतना दूर तक आता हूँ तो यहाँ पे एक इतना बड़ा लैंड जो है ना मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्रिस्टोफर कोलंबस की कोई अब मुझे इतनी कोई कहानी मुझे नहीं याद, लेकिन फिर मुझे लगता है इससे फिर वे वहाँ पे गए वापस पोर्चुगीज गवर्नमेंट के पास, इसने कहा इस तरह, लेकिन मतलब लोगों को ये पता चल गया था कि मतलब इतना एक वास्ट लैंड जो है ना मतलब वो मौजूद है, मतलब इट इज रेडी टू बी कॉलोनाइज, मतलब ना वहाँ पे गवर्नमेंट है और इतना बड़ा एरिया, मतलब इसके ऊपर मतलब एक वो क्या कहते हैं The discovery of American continent led to a competition amongst the European powers to colonize the area. अब इंग्लैंड को भी पता चल गया, फ्रांस को भी पता चल गया, स्पेन को भी पता चल गया, पोर्चुगल को भी पता चल गया, ठीक है ना, कि मतलब एक अलग ही दुनिया एक साइड पे पड़ी हुई है और मतलब उस ना उसके अंदर कोई मतलब उसके अंदर सिर्फ लोकल्स हैं, ठीक है, मतलब वो कॉलोनाइज किया जा सकता है और उससे रिसोर्सेज जो है उससे ले जाए सकते हैं, नई मार्केट्स उनको मिल सकती हैं, ठीक है ना, और उसको कॉलोन मतलब बस क्या कहते हैं मजे ही मजे होंगे एक किस्म की बात ना, मतलब उनका मतलब एक होता है ना कि मतलब इतना वास्ट एरिया किसी को मिल जाए, मतलब उन लोगों के बस एक क्या कहते हैं टसल ऑफ पावर जो थी वो तो चल रही थी उनके दरमियान, लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी के बाद जो है ना वो टसल ऑफ पावर जो थी ना मतलब और भी इंक्रीज हो गई, और ये इंक्रीज होगी कि अब अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ज्यादा से ज्यादा कौन कॉलोनाइज कर सकेगा, ठीक है ना। तो इनमें से इंग्लैंड ने भी
कॉलोनाइज किया, फ्रांस ने भी कॉलोनाइज किया, स्पेन, पोर्चुगल, इन सारों ने जो है ना अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया। लेकिन यूएस हिस्ट्री को शेप करने में जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल है ना वो इंग्लैंड का है, ठीक है ना। ऑल यूरोपियन पावर्स कॉलोनाइज अमेरिका बट इट वॉज ग्रेट ब्रिटेन विच सिग्निफिकेंटली शेप्ड द अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है ना। मतलब जो मेन आप यूएस हिस्ट्री में जब आप कॉलोनाइजेशन हेलो जी सर नहीं आवाज आ रही आप लोगों को? सर अभी आ रही है, आप लॉग आउट हो गए थे। ओहो मैंने तो इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं, तबा करो। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है सर, आप शेयर करके दोबारा नहीं आ रही सर, सब्र करो। अभी नजर नहीं आ रही? नो सर। सर आपका सिर्फ कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा है, बाकी पीछे ब्लैक है। अब नजर आ रही है? क्या हो गया? हो गई है, स्टार्ट हो गई है। जी सर। अब आप लोगों ने कहाँ तक सुना है? सर आप कोलंबस का बता रहे थे। कोलंबस तक? अच्छा कोलंबस तक समझ आई है सारों को? कोई वो तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा कोलंबस जो है ना फिर इस तरह हुआ है कि कोलंबस मतलब क्योंकि ये मतलब नेविगेटर था, ठीक है, इसके मुझे लगता है शायद रूट स्पेनिश थी लेकिन ये था पोर्चुगीज नेविगेटर। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अफोंसो द फिफ्थ जो था उसने इसको भेजा था क्वेस्ट पे। चलिए ठीक, हाँ जहाँ पे मतलब मैं गलत बोलूँ ना तो आप लोग जरूर मतलब बता दिया करें कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं तो फिर ये गए वहाँ पे, ठीक है, मतलब इसने फिर जो है क्या कहते हैं नेविगेशन वगैरह नेविगेट करते करते मतलब इसने जाके मतलब जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो डिस्कवरी है ना इसने कर ली है। फिर उसके बाद ये वापस गए, इसने मतलब राउंड क्या कहते हैं इन नट शेल जो है ना मतलब सारे लोगों को पता चल गया कि एक बहुत ही बड़ा एक वास्ट एरिया जो है ना वो पड़ा हुआ है एंड इट इज रेडी टू बी कॉलोनाइज, ठीक है ना। मतलब इसने जो यूरोपियन पावर्स के दरमियान जो ऑलरेडी एक टर्सल ऑफ पावर चल रही थी ना उसने इसको इस डिस्कवरी ने और भी एक स्पीड दी है ना उसको। और बस सारे लोग इसी जो कंट्रीज थे इंग्लैंड फ्रांस स्पेन एंड पोर्चुगल ये लोग इसी में थे कि मतलब हम लोगों ने जाके ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है ना यहाँ पे कॉलोनाइज करना है, इसके रिसोर्सेज और सोर्सेज जो है मतलब वो हमने मतलब प्लंडर करने मतलब अपने आप को इकोनॉमिक फायदे देने और मतलब बहुत ज्यादा मतलब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ना कि कॉजेस क्या थे कॉलोनाइजेशन के। लेकिन वो जो इस बैकग्राउंड में जो है ना आप लोग यही समझ लें कि मतलब इस डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट लेड टू कंपटीशन अमंगस्ट यूरोपियन पावर्स टू कॉलोनाइज द एरिया, ठीक है, ज्यादा हो गया और भी ज्यादा हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखें कि ऑल यूरोपियन पावर्स कॉलोनाइज अमेरिका बट इट वॉज ग्रेट ब्रिटेन विच सिग्निफिकेंटली शेप्ड अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। मतलब फ्रांस ने भी किया, स्पेन ने भी किया, पोर्चुगल ने भी किया, ठीक है उनके साथ। लेकिन जो मेन पार्ट जो आप लोग यूएसए हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका के हवाले से मतलब जो मेन कॉलोनाइजर जो था ना वो इंग्लैंड था, ठीक है ना। और इंग्लैंड इसलिए भी था क्योंकि मतलब उसकी एक्सपर्टीज आप बहुत कह देना कि मतलब एक्सपर्ट था कॉलोनाइज करने में। मतलब जैसे अब आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का आप हवाला ले लेना, मतलब यहाँ पे एक क्या कहते हैं एक मोनार्की मौजूद थी, मुगल्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी आके इन लोगों ने किस तरह मतलब सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है ना। तो मतलब इसलिए ग्रेट ब्रिटेन जो था वो था मतलब क्या कहते हैं मतलब उस वक्त की क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कि मतलब एक सुपर पावर था, ठीक है ना। और फ्रांस और स्पेन और पोर्चुगल बस ये लोग आपस में लगे थे, लेकिन इंग्लैंड उस वक्त मतलब इन सारों से एक क्या कहते हैं एक कदम आगे था। एक तो ये था कि मतलब उसकी जो नेवी वगैरह थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है, और भी उसके बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं हमें कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो था ना मतलब ये जो बैकग्राउंड है कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका का वो यही है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट अनएक्सप्लोर्ड था, रेड इंडियंस ने इसको क्या कहते हैं इनहिबिट किया हुआ था। रेड इंडियंस से वहाँ पे कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूलर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस लोकल्स थे वहाँ पे, ठीक है। उस वक्त की जो क्या कहते हैं वो एक जो
पॉलिटिक्स थी या ग्लोबल पॉलिटिक्स थी ना, वो यूरोपियन या यूरोप के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती, मतलब लोगों को अमेरिका के बारे में पता ही नहीं था। तो यूरोपियन पावर्स थी, उनका काम क्या था कि वो लोग एक टसल ऑफ पावर में लगे हुए थे, ठीक है ना, और कॉलोनाइज करने की हर मतलब जगह को कॉलोनाइज करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना, कि वो वहाँ को उस जगह को प्लंडर कर सकें, उसके रिसोर्सेज ले सकें, और क्या कहते हैं वास्ट से वास्ट सेट उनके अंडर हो, मतलब वो अपने आप को इकोनॉमिक डिविडेंड दे सकें और अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है ना। तो ये इसका एक सिनेरियो, ठीक है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है डिस्कवरी की, उसकी सारे लोगों को पता चला है कि यार इस तरह के एक इतना बड़ा एरिया है जो मौजूद है जिसको कॉलोनाइज किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। और इसकी वजह से जो है एक क्या कहते हैं कंपटीशन लग गया है यूरोपियन पावर्स के दरमियान के कौन इसको ज्यादा से ज्यादा कॉलोनाइज करेगा। लेकिन मेन जो कॉलोनाइजेशन है या जो अमेरिकन हिस्ट्री जो क्या कहते हैं जिसके साथ रिलेट होती है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन ने जो कॉलोनाइज किया है ना, तो वो जो है क्या कहते हैं मतलब वो ग्रेट ब्रिटेन ने जो है उसने मोस्ट सिग्निफिकेंटली शेप्ड अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड की जो सारी बातें हैं ना वो ये हैं। तो अब अगर यहाँ पे अभी तक कुछ समझ ना आया या कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, क्लियर है सर? ठीक है, फिर भी और कोई और सारे देख लो ना, है कोई सवाल? अच्छा चलो ठीक है, आगे जाते हैं। जहाँ पे भी मैं पूछूं सवाल हो ये मत कहना कि भी मतलब बस कोई भी सवाल हो पूछ लिया करो, ठीक है ना। अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश यही करना चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सही से पता चल जाए, ठीक है। अच्छा ये PDF फाइल वगैरह फिर मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी फिर मतलब आप लोग अपने नोट्स बनाते वक्त भी इसको दे सकते हो, मतलब ये शॉर्ट नोट्स बस आप लोगों के लिए तकरीबन है ही है, ठीक है। अच्छा फिर जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंटली शेपिंग यूएस हिस्ट्री जो है वो इंग्लैंड की तरफ से हुई है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, और ये मैंने माजुमदार से किया था, थोड़े माजुमदार के पैटर्न के ऊपर, ठीक है। हो सकता आप अगर कोई और किताब पढ़े उसमें मतलब होगा तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, लेकिन हो सकता है कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ और तरीके से लिखा हो, लेकिन मेरा पैटर्न वही माजुमदार वाले ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स उसी से बनाए थे। अच्छा कॉलोनाइजेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा व्हाट इज अ कॉलोनी, सबसे पहले तो आप जरा ये समझ लें, ठीक है। अ कॉलोनी इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल हु लीव देयर मदर कंट्री टू सेटल डाउन इन अ न्यू कंट्री एंड मेक दैट प्लेस देयर परमानेंट होम एंड रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर कंट्री। मतलब कॉलोनी जो होती है ना वहाँ पे तो मतलब जो उसके अपने इनहेबिटेंट्स होते हैं उनके साथ तो मतलब क्या कहते हैं ज्यादतियाँ तो होंगी, लेकिन अब जैसे अब ये जो क्या कहते हैं उसका जो क्या कहते हैं जो अमेरिका था, ठीक है ना, अमेरिका में तो थे रेड इंडियंस, ठीक है, लोकल्स मतलब उनके जो लोकल्स थे वो तो रेड इंडियंस थे, ठीक है ना। तो ग्रेट मतलब कॉलोनी क्या कहते हैं प्राइमरीली वो ये है कि वहाँ के जो रहने वाली जो आम आवाम है वो अपनी जैसे क्या कहते हैं जो मदर कंट्री है जिसके वो क्या कहते हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं जिसमें उन्होंने सारा वक्त गुजारा है वो कंट्री वो छोड़ के किसी नई कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके परमानेंटली सेटल होते हैं। मतलब परमानेंटली सेटल कह सकता हूँ मैं कि टिल डेथ, मतलब अब उनका घर जो है वही होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो रूट्स होती हैं या क्या कहते हैं उनकी जो रूट्स वगैरह होती हैं दे रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर कंट्री, मतलब उनका वो अपनी मदर कंट्री के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। सेटल वो होते हैं दूसरी कंट्री में, लेकिन उनका जो डायरेक्ट लिंक होता है ना वो अपनी मदर कंट्री के साथ होता है, जिस कंट्री को छोड़ के आए होते हैं, जिसमें वो पैदा हुए होते हैं, जिसमें सारा वक्त गुजारा होता है जब तक कि वो किसी कॉलोनी में नहीं जाते, ठीक है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं कि इनिशियल स्टेजेस क्या थे ना कॉलोनाइजेशन के, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड वाज प्लेड आउट ऑन अमेरिकन लैंड, अच्छा इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन स्पेनिश आर्मेंडा 1558 एज अ रिजल्ट द इंग्लिश वुड नाउ सीरियसली कॉलोनाइज अमेरिका, इंग्लिश नेवी वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन। अच्छा शुरू शुरू में जब इन लोगों ने कॉलोनाइजेशन की कोशिश की है ना तो इंग्लैंड से पहले इंग्लैंड ने सबसे पहले आके कॉलोनाइज नहीं किया, इंग्लैंड से पहले आके क्या कहते हैं स्पेन ने थोड़ा बहुत आके कॉलोनाइज कर लिया था, ठीक है ना, जो मेन जो कॉलोनाइजर था, और दूसरा जो था थोड़ा बहुत मुझे लगता है शायद फ्रांस वगैरह ने कॉलोनाइज कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमने जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब इंग्लैंड के बारे में हम मोस्टली जो है इंग्लैंड का जो रोल रहा है ना
कॉलोनाइजेशन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड सबसे ज्यादा ऊपर उठ गया था, सबसे ज्यादा मतलब कॉलोनी इसकी बनी थी। तो क्या कहते हैं, स्पेन वहां पे मौजूद था, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइवलरी ऑफ स्पेन और इंग्लैंड, ये एक यूरोपियन पावर्स का ये मसला होता था कि ये कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो थे ना यूरोप के अंदर नहीं करते थे, ठीक है। उसकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, वो किसी ने आईआर पढ़ी हो तो उसको थोड़ी पता होगी, ठीक है ना। लेकिन मतलब ये लोग डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो थी वो यूरोप क्या कहते हैं यूरोप के अंदर नहीं करते थे। इनकी जितनी भी राइवलरीज वगैरह होती थी ना, जितनी भी फाइट्स वगैरह या वॉर वगैरह होती थी, ये लोग ये फाइट्स वगैरह जो थे जो सा एरिया इन लोगों ने कॉलोनाइज किया हुआ होता था ना, वहाँ पे ये लोग लड़ते थे। मतलब यूरोप को ये लोग नुकसान उस तरह पहुंचाते ही नहीं थे शुरू शुरू में, जहाँ पे इनकी कॉलोनीज वगैरह होती थी। मतलब ये अब ये बात हो रही है 15th और 16th सेंचुरी की, ठीक है ना। तो स्पेन ने आके अपने आप को कुछ ना कुछ आके वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था। अब इंग्लैंड ने आके करना था अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश, तो उन्होंने जब आया है तो वहाँ पे स्पेन वगैरह मौजूद था। तो फिर इनकी एक वॉर हुई थी, उसको कहते हैं स्पेनिश आर्मेंडा। उसका रिजल्ट में जब वो जीती है इंग्लिश, क्या कहते हैं इंग्लैंड जब जीता है, ठीक है ना, तो वो स्पेन की वो जो क्या कहते हैं मतलब वो जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पे इंग्लैंड को इस काबिल ना छोड़ने के लिए कि वो कॉलोनाइज कर सके, क्योंकि वो वॉर जो थी वो इंग्लैंड जीत गई थी, ठीक है ना। तो अब उसके बाद वो है ना मतलब स्पेनिश एक वो क्या कहते हैं फियर जो था उनके उससे निकल गया था, मतलब स्पेन को उन लोगों ने एक साइड पे कर दिया था। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब से जो है ना हम इसको सीरियसली इसको कुछ कॉलोनाइज करने की जो है ना कोशिशों में वो लग गए हैं, ठीक है। अच्छा एक तो ये बात होगी, दूसरी ये बात होगी कि इंग्लिश, मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्लिश नेवी जो थी, इंग्लैंड की जो नेवी थी ना वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, ठीक है ना। और उनका क्या कहते हैं जब इस पर अमेरिका वगैरह का पता चले ना, तो जो एक्सप्लोरेशन की, ठीक है ना, और क्या कहते हैं उस सारी चीजें जो थी मतलब वो वहाँ पे जरा और मतलब रिवाइव होना शुरू हुई है, ठीक है ना। मतलब और थोड़ी बढ़ चढ़ के उसके बारे में क्या कहते हैं होना, वो सारी चीजें शुरू हुई है, ठीक है। दूसरा ये था कि वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री बहुत जल्दी बन रही थी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं जब इंडस्ट्रियल कंट्री बनेगी, जब आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपको न्यू मार्केट्स की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो वो अमेरिका को अपने ही लोग वहाँ पे बेच के वहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करने के, वहाँ पे मतलब ये एक बहुत बड़ी मार्केट भी वहाँ पे इनको मिल रही थी, ठीक है ना। तो ये इस तरह मतलब ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना मतलब ये इंग्लैंड जो है ना उसने जो है ना वो क्या कहते हैं वो टिपिकली हाथ पांव जो है ना मारना शुरू किए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं अमेरिका को जो है ना ऐसा ऐसा से इसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है ना वो ज्यादा करते जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाते जाए, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। इंग्लिश नेवी वॉज ऑर्गेनाइज एंड इट्स एंड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन रिवाइव was fast becoming an industrial country and trade with these territories would have provided her with enormous gains, ठीक है ना। इन सारी चीजों को और बैकड्रॉप में जो है वो ये बात है कि स्पेनिश का जो वो थी क्या कहते हैं स्पेन जो वहां पे मौजूद था, इन लोगों ने उसकी उसको वहां से हटा दिया था, ये स्पेनिश आर्मेंडा 1558 के वॉर के बाद, ठीक है। ये स्पेनिश आर्मेंडा को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना, जब आप लोग किताब पढ़ रहे हो ना तो इसकी पूरी डिटेल सर आप लोग पढ़ लेना और एक दो पॉइंट्स भी लिख लेना, क्योंकि एक दो मेन जो बातें हैं, ठीक है। अच्छा इनिशियल फेलियर्स टू कॉलोनाइज अमेरिका रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल ब्रिटिशर्स मर्डर्ड मेड देम रियलाइज टू कम बैक वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। अच्छा जब इन लोगों को ये स्पेनिश आर्मेंडा हो गया, ये सारी चीजें मतलब थी हो रही थी इंग्लैंड में, तो उनके बाद इसके इन लोगों ने किस तरह किया था कि इन लोगों ने मतलब क्या कहते हैं भेजी है ना अपनी एक टीम सी भेजी है, ठीक है ना, कि वहाँ पे आके कॉलोनाइज कर सकें। लेकिन इस तरह काम हुआ कि जब वो लोग वहाँ पर गए हैं ना क्या कहते हैं कॉलोनाइज करने के लिए, तो वहाँ पे जो वो लोकल्स थे तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम लोग किस तरह यहाँ पे आ रहे हो, तो वहाँ पे उन लोगों की आपस में झड़पें वगैरह हुई और उसमें काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स जो थे ना वो जो थे क्या कहते हैं मर्डर्ड हो गए थे। तो उन्होंने फिर ये रियलाइज हुआ कि मतलब यहाँ पे हम लोग इसी तरह के कॉलोनाइज नहीं कर सकते, हम लोगों को जब आना पड़ेगा तो हमें ठीक ठाक तैयारी के साथ आना पड़ेगा, अपने साथ इतने लोग लेकर आने पड़ेंगे कि हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकें, ठीक है ना। अपने साथ कुछ ना कुछ आर्मी वगैरह वेपनरी वगैरह हम लोग अपने साथ लेकर आनी पड़ेगी कि हम लोग यहाँ पे आके ये जो लोकल्स जो है यहाँ पे रेड इंडियंस इनको हम लोग पीछे हटा सकेंगे और हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉलोनीज जो है ना वो बनाना शुरू कर सकेंगे। तो ये जो थे ना ये इनिशियल स्टेजेस थे किसके कॉलोनाइजेशन के, ठीक है ना, इंग्लैंड की तरफ से। तब यहाँ पे अगर अभी कोई सवाल हो कुछ बात समझना ही हो तो पूछ लें।
हेलो आ गई है समझ? ठीक है, देखो अगर मैं बार बार कह रहा हूँ किसी को भी समझ ना आ रही हो या मतलब मेरी बात को समझ ना आ रही हो तो पूछ लिया करो, ठीक है ना? और एक ही बंदा जवाब ना दे, तीन चार बंदे जवाब दे दिया करो तो फिर मुझे थोड़ा फिर भी थोड़ा इत्मीनान हुआ कि हाँ मतलब मैं ठीक ही कह रहा हूँ, तुम्हें को समझ आ रही है मेरी बातों की? नहीं सर समझ आ रही है। सर आ रही है समझ। चलो ठीक, दो तीन बंदे बीच में समझ नहीं आई कि ना हम खुद ही बोल दिया करेंगे। हाँ मतलब इस तरह बोल लिया करो, लेकिन फिर भी मुझे बीच बीच में मैं जब पूछा करूँ तो आप लोग किस तरह कह दिया करें ना, फिर मैं मुझे तो फिर बीच में सर लगता है कि शायद कॉल वगैरह ड्रॉप हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, नहीं नहीं वो हम बता दिया करेंगे सर आपको, ज्यादा बंदे माइक खोलते हैं तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। खैर खैर एक आज इस तरह मतलब बीच बीच में जब मैं पूछा करूँ ना, खैर एक साथ सारे खोल के बता दिया करो, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो आती है प्लांटिंग कॉलोनीज। ठीक है, अच्छा जो इन लोगों ने कॉलोनीज प्लांट की थी ना, ये टोटल थी 13 कॉलोनीज। ठीक है, अच्छा अब कॉलोनीज प्लांट करने के इनके दो तरीके थे। एक तो ये लोग इस तरह करते थे कि ये लोग देते थे प्रॉपर्टी राइट्स टू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, या ये लोग देते थे कंपनीज को। अभी प्रॉपर्टी राइट्स जो थी ना, ये कोई आपको मैं किस तरह समझाऊँ कि मतलब ये किस्म का एक कागज़ आप कह दें, मतलब उनको एक किस्म का वो लोग दे देते थे, एक चार्टर दे देते थे, ठीक है ना। उनको कहते थे कि आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे रहें, सारे का सारा लैंड आपका है, मतलब आप लोग मतलब वो जो लोग होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होते थे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि वो कॉलोनीज और टोटल ऑफ 13 कॉलोनीज कॉलोनाइज थ्रू ईदर गिविंग प्रॉपर्टी राइट्स टू इंडिविजुअल्स और टू कंपनीज। Example, East India Company was used to colonize Indian subcontinent. मतलब देखो अब ये भी एक कंपनी थी, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी ना, इस तरह इन लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाई हुई थी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज के लिए, ठीक है ना। और जहाँ पे कॉलोनीज नहीं थी वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि इंडिविजुअल्स जो होते थे ना उनको ये लोग प्रॉपर्टी राइट्स दे देते थे, वो डायरेक्ट होते थे ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ठीक है ना। वो वहाँ पे जाके अपनी कोई गवर्नमेंट वगैरह बना लेते थे छोटी सी, ठीक है ना, मतलब वो वहाँ पे बस जाके अपने एक सेटअप बना लेते थे, गवर्नमेंट बना लेते थे, मतलब अपनी एक अथॉरिटी वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश कर लेते थे, ठीक है ना, कि वहाँ के जो लोग यहाँ उनके के जो लोग आ रहे हैं वहाँ से क्या कहते हैं ब्रिटिश से, उनको भी ये रूल कर सके, और जो रेड इंडियंस या लोकल्स है ना उनकी जो रेजिस्टेंस है ना उनको भी ये लोग मतलब सप्रेस कर सकें। तो ये लोग जो हैं इस तरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना अपना काम इन लोगों ने शुरू किया। अच्छा, ईच कॉलोनी वॉज टू हैव अ गवर्निंग काउंसिल रिसाइडिंग इन अमेरिका। इसी तरह मतलब एक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट एंड एंड द काउंसिल वॉज प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर काउंसिल रिसाइडिंग इन इंग्लैंड। मतलब वहाँ पे जो था इस तरह था कि मतलब एक गवर्निंग काउंसिल मतलब हर एक कॉलोनी की अपनी बन रही होती थी, लेकिन वो जो गवर्निंग काउंसिल जो होती थी ना वो एक और काउंसिल के अंडर होती थी जो कि इंग्लैंड में बैठी होती थी। मतलब इंग्लैंड का हर एक कॉलोनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था, वो उसके ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज थी। मतलब जो चीज़ ये जो काउंसिल जो रिसाइड कर रही होती थी इंग्लैंड में, जो वो डिसाइड करती थी ना, तो वो गवर्निंग जो काउंसिल होती थी उस कॉलोनी की, वो उसके हिसाब से जो है ना काम वगैरह करती थी। कोई कुछ कहना चाहता है, किसी का माइक ऑन है? अच्छा, तो अब इस अच्छा अब ये देखो ये है ना, ये कॉलोनीज है डिफरेंट, कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया, प्लाइमेथ एंड मैसाचुसेट्स, कॉलोनी ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अब ये तो है शॉर्ट नोट्स, इससे तो लोगों को थोड़ा एक अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनकी क्या कहते हैं इसकी इनकी हर एक कॉलोनी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है ना हिस्ट्री या इम्पोर्टेंस जो है ना, ये माजुमदार की बुक में भी है और बुक्स वगैरह में भी होगी। अब मैं तो तुम लोगों को थोड़ा ऊपर ऊपर से मतलब पढ़ा देता हूँ कि मतलब मैं तुम लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि मतलब क्या हो रहा था हर एक कॉलोनी में, ठीक है। लेकिन तुम लोगों जब पढ़ोगे ना किताब में तो फिर ज़रा अपने थोड़े से इलेबोरेटेड जो है ना नोट्स बना लेना, उसमें हाईलाइटिंग कर लेना, ठीक है ना। हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी डिटेल तुम लोग अपने लिए हाईलाइट कर लेना, कि बाद में अगर तुम लोगों को नोट्स बनाने पड़े ना तो वो तुम लोग उससे बना लेना। क्योंकि अक्सर इस तरह भी होता है कॉलोनी से जब सवाल आते हैं ना, तो तीन चार कॉलोनीज के बारे में भी डायरेक्ट एक ही सवाल मतलब आ सकता है। मतलब एक सवाल है तकरीबन प्लाइमेथ एंड मैसाचुसेट्स और पता नहीं। सर ये जो आपने एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर, ये जो आपने ब्रैकेट में 7 और 6 लिखा है, दीज आर द टोटल कॉलोनीज ना, मतलब 7 को उन्होंने इंडिविजुअली प्रॉपर, नहीं नहीं ये हां 7 को सबर करें, ये इंडिविजुअल्स जो थी 7 थी, ठीक है ना, कंपनी 6 थी, और 16 और 7 ये डेट्स हैं, ये इयर्स हैं इनके। नहीं सर, आपने यहाँ लिखा है ना कॉलोनाइज थ्रू आइदर गिविंग
प्रोप्राइटरी राइट्स ना, तो ये टू इंडिविजुअल्स, तो सेवन कॉलोनीज में उन्होंने प्रोप्राइटरी राइट्स टू इंडिविजुअल्स दिए और सिक्स कॉलोनीज में टू कंपनीज दिए हैं. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है. ओके, थैंक यू सर. अच्छा, तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, कि आप लोगों ने इसमें एक सवाल है वो दो बार रिपीट भी हुआ है, और प्लाइमेथ एंड मैसाचुसेट्स के बारे में है, 1643 का कोई उसमें किस्सा है, वो भी हम खैर बाद में अटेम्प्ट करेंगे. लेकिन मतलब वो देखो, अब वो तुमसे स्पेसिफिक कॉलोनाइजेशन के एक दो तीन कॉलोनीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसकी डिटेल्स भी तुम्हें पता होनी चाहिए, और ओवरऑल जो कॉलोनाइजेशन हुई है ना उसके बारे में भी तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सवाल इसी तरह आ सकता है. कॉजेज आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, इम्पैक्ट्स पूछ सकता है, ठीक है, और डिफरेंट जो स्पेसिफिक कॉलोनीज है ना उसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि शुरू शुरू की जो चीज़ें ना ये थोड़ी सी तंग करने वाली, इसमें आपको डेट्स थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, लोगों के नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या उस वक्त थोड़ा क्या कहते हैं डिटेल्स में थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी तंग करने वाली हैं, और बाकी आगे जो है ना इतना मसला नहीं है. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जब खुद पढ़ो ना किताब, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है. अच्छा, कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया, ठीक है ना, ये तकरीबन इन लोगों ने 16 और 7 में जाके इन लोगों ने कॉलोनाइज किया, ठीक है. किसके थ्रू कॉलोनाइज की थी, लंदन कंपनी के थ्रू कॉलोनाइज की थी. अच्छा, वहाँ पे ये लोग है ना टोबैको जो है ना क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल ग्रो कर रहा था वहाँ पे, ठीक है ना, और मतलब फर्टाइल लैंड था वहाँ पे, टोबैको वगैरह जो थी वो बड़ी आसानी से ग्रो होती थी. अच्छा, फिर वहाँ पे जो है ना ये हाउस ऑफ बर्गर्स जो लिखा हुआ है आप लोग इस तरह ले लें जैसे कि हमारे होती है प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है ना, प्रोविंशियल असेंबली कह रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जो प्रोविंशियल असेंबली थी इसने इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सेल्फ गवर्निंग एजेंसी, ठीक है ना, मतलब वो अपने आप को सेल्फ गवर्न करने की कोशिश कर रही थी. और जो कॉलोनाइजर्स थे जो इंग्लैंड था वो कह रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं, अच्छा ये लोग कह रहे थे कि कॉलोनाइजर्स शुड रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स नॉट द किंग. ये कॉलोनाइजर्स नहीं है जो होना चाहिए मतलब जो वहाँ पे जो लोग गए हुए थे इंग्लैंड से जो कि वहाँ पे मौजूद थे हाउस ऑफ बर्गर्स के जो क्या कहते हैं वो थे क्या कहते हैं इनहेबिटेंट्स से, ठीक है ना, जो कि इंग्लैंड से गए हुए थे, उनका ये मानना था कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद है जो तो ट्रेड और कॉमर्स को हमें चाहिए कि हम रेगुलेट करें, ना कि ये कि जो इंग्लैंड में बैठा हुआ जो किंग है ना वो इसको रेगुलेट कर रहा हो. तो इस सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है ना इनके दरमियान फिर जो टसल वगैरह हुई है ना, तो फिर 1925 में आके किंग ने जो है ना ये जो चार्टर था जो इस लंदन कंपनी को उसने दिया हुआ था, ठीक है ना, उसने उसको रिवोक कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल अपना ले आया है कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया में 1925 में, ठीक है. इसके बाद प्लाइमथ एंड मैसाचुसेट्स, ठीक है, तकरीबन ये भी इसी डेट्स के दरमियान में, ठीक है, 1606. अब इसके क्या कहते हैं प्लाइमथ कंपनी को उसका चार्टर दिया हुआ था, प्लाइमथ कंपनी को इसका चार्टर दिया हुआ था, ठीक है, 1690. अच्छा, ये जो प्लाइमथ और मैसाचुसेट्स है ना, अच्छा इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस इस तरह की तरीके से भी है कि बहुत आखिर तक जो है ना इसका बड़ा ज़्यादा रोल रहा हुआ है मैसाचुसेट्स का, और ये जो क्या कहते हैं ये वाली जो कॉलोनी थी ना बहुत आखिर तक इसका वो रहा हुआ है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, ठीक है ना. तो ये जो थी और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ये कभी प्लाइमथ के साथ ज्वाइन हुई है, इससे लोग निकले भी हैं, उन्होंने जाके अलग भी एक कॉलोनी बनाई है, ठीक है ना. तो ये जब सारी चीज़ें जरा आप लोग पढ़ेंगे ना तो फिर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप लोगों का माइंड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. लेकिन ऊपर ऊपर से समरी में मैं ये बता देता हूँ कि क्या कहते हैं प्लाइमथ कंपनी 1691 मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी वॉज ज्वाइन, मतलब दोनों जो थी वो आपस में ज्वाइन कर दी गई थी, ठीक है. द कॉलोनी रिमेंड अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी अंटिल द क्राउन अनल्ड द चार्टर इन 1691 एंड अपॉइंटेड अ रॉयल गवर्नर. मतलब वही हुआ है कि मतलब वहाँ पे थी एक क्या कहते हैं अपनी एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट हो रही थी, ठीक है ना, और वो थोड़ी वो कहते हैं सेल्फ गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है. लेकिन वही बात हुई है कि मतलब क्या कहते हैं आखिर में आके जो क्या कहते हैं इंग्लैंड था, ठीक है, उसका जो मोनार्क था उसने आके मतलब डायरेक्ट कंट्रोल जो है ना अपना उसके ऊपर ले आया और रॉयल गवर्नर जो है ना उसके ऊपर अपॉइंट कर दिया. मतलब वो फिर डायरेक्ट जो है ना कॉलोनी जो है वो उसके क्या कहते हैं किंग के अंडर आ गई और गवर्नर जो है वही काम करेगा जो उसको किंग कहेगा, ठीक है ना. तो ये अगर आप लोगों ने थोड़ा अंदाजा लगाया होना तो जो दो तीन कॉलोनीज की हमने बात की तो ये आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे मतलब ये सारी कॉलोनीज जो हैं बन तो रही थी, ठीक है, वहाँ पे जाके कॉलोनाइज हुआ जा रहा था, लेकिन कैसे ग्रेजुअली जो है इन सारी कॉलोनीज को है ना डायरेक्ट कंट्रोल जो था किंग उसके अंडर लाया जा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा
वहां से जो है उसको प्लंडर कर सकें और अपने इकोनॉमिक डिविडेंड्स जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकें फॉर द स्टेट, ठीक है ना। तो इस चीज की तरफ थोड़ा आप लोग ध्यान दें। अब जैसे कॉलोनी ऑफ न्यूयॉर्क है, देखिए ये भी 1664 में इसको एक रॉयल प्रोविंस बना दिया गया, ठीक है। अब ये जो डेलावेयर कॉलोनी थी वो जो थी डच के पास थी, लेकिन डच इंग्लैंड, सर ये कॉलोनी ऑफ न्यूयॉर्क को तो सर न्यू इंग्लैंड कहते थे बाद में, व्हेन इट वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स तो फिर उसको न्यूयॉर्क कहा था, दिस वाज कॉल्ड न्यू इंग्लैंड। अच्छा 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 ठीक है सर, ये तब यहां पे मैं क्या कहते हैं न्यू इंग्लैंड यहां पे लिख दूं? हां जी सर, न्यू इंग्लैंड, बिकॉज़ इट वाज कॉल्ड न्यू इंग्लैंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट कॉलोनाइजर्स। ठीक है सही है। अच्छा ठीक है, ओहो अच्छा। फिर जो है ये देखो, वॉज अंडर डेलावेयर कंट्रोल, वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डच हु लॉस्ट इट टू इंग्लैंड, बिकेम अ सेपरेट आइडेंटिटी अंडर द ब्रिटिश इन 1664, ठीक है। तो ये जो है अच्छा, फिर आती है कॉलोनी ऑफ कनेक्टिकट। अच्छा हुकर ये एक बंदा था अ प्योरिटन, अब इसका मुझे नहीं पता कि प्योरिटन क्या है। A Puritan had a disagreement with the governor of Massachusetts and migrated to the south of Massachusetts in the Connecticut Valley along with his followers and supporters in 1635. अच्छा Connecticut का जो क्या कहते हैं governor के साथ, क्या governor of Massachusetts के साथ इस hooker की जो थी कि मतलब बहस वगैरह हुई या मतलब इसके पास कोई followers वगैरह थे, बस इसने क्या किया migrate किया south Massachusetts को और वहाँ पे जाके इसने जो है ना एक अपनी ही क्या कहते हैं colony वगैरह जो थी ना वो बना ली थी, ठीक है। अच्छा कॉलोनी ऑफ रोड आइलैंड, प्रिंस रॉजर विलियम्स नेटिव्स आर द रियल ओनर्स, डिफरेंसेस विद द कॉलोनाइजर 1636 फ्लेड एंड जॉइंड द इंडियंस, फाउंडेड सिटी ऑफ प्रोविडेंस एंड अदर्स टू मेक रोड आइलैंड, ट्राइड टू यूनाइट द कॉलोनीज इनटू यूनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज बट फेल्ड, ठीक है। अब ये प्रिंस रॉजर विलियम्स, ठीक है, इसका जो था ये कह रहा था कि जो नेटिव्स हैं या जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स हैं वही जो है रियल ओनर्स होने चाहिए लैंड के, ठीक है। इसकी जो है क्या कहते हैं कॉलोनाइजर्स के साथ ब्रिटिशर्स के साथ कोई वो आई है क्या कहते हैं इख्तलाफात आए हैं 1636 में, भाग गए इंडियंस के साथ जाके इसने क्या कहते हैं मतलब पार्टी बना लिए, ठीक है, और वहाँ पे जाके सिटी ऑफ प्रोविडेंस इसने फाइंड की है और मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने अपने ही क्या कहते हैं एक कॉलोनी जो है ना वहाँ पे जाके बन गई है, ठीक है। इस तरह भी ये मैरीलैंड कॉलोनी है। अच्छा अब इस यहाँ पे जो है ना अभी इंडिविजुअल्स इन लोगों ने वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स जो थे ना वो देने शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। अब ये देखो गिवन टू बाल्टीमोर इन 1632 रॉयल गवर्नर विद हिज काउंसिल एंड अ लोअर हाउस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। 1641 फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ वॉज पास टू प्रोटेक्ट प्रोटेस्टेंट्स ऑफ विच बाल्टीमोर वॉज अगेंस्ट, resulted in clashes, Protestants overthrew Baltimore and established their government. अच्छा in 1691 the colony became a royal province. ठीक अच्छा ये भी याद रखो कि क्या कहते हैं जो colonization हुई थी ना इसकी एक बहुत बड़ा factor जो था ना वो था religion, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं वो enlightenment वगैरह चली थी ना, तो उसके बाद जो कहते हैं Christians जो थे वो Catholics और Protestants के अंदर जो है ना divide हो गए थे। अब वहाँ पे जो है इंग्लैंड या यूरोप में जो है ना प्रोटेस्टेंट्स को बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन और इन चीजों का उनको सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स जो है ना वो अमेरिका जाना शुरू हो गए जहाँ पे उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल सके, ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नर था ना मुझे लगता है इसका जो था कि जो बाल्टीमोर जो था ये हो सकता है कैथोलिक हो, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 1641 में जो हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना लोअर हाउस इन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन का लॉ पास किया, तो उसकी वजह वो बाल्टीमोर को पसंद नहीं आया, तो उसने जो है क्या कहते हैं बस वहाँ पे उनकी फिर आपस में क्या कहते हैं टसल वगैरह शुरू हो गई है। तो फिर क्या कहते हैं रॉयल क्या कहते हैं क्राउन वगैरह ने जो है इंटरवीन करके इसको जो है रॉयल प्रोविंस बना दिया, ठीक है। फिर कॉलोनी ऑफ मेन जो थी वो सर फर्डिनेंड जॉर्ज को दिया गया था रॉयल चार्टर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और इसको जो है मैसाचुसेट्स से जो है ना निकाला गया था। इस तरह जो कॉलोनी ऑफ न्यू हैम्पशायर थी कैप्टन मेसन को दिया गया था वो थी एक रॉयल कॉलोनी, ठीक है। फिर आती है न्यू जर्सी कॉलोनी, वहाँ पे था लिबरल एंड रिलीजियस फ्रीडम थी वहाँ पे, टोटल जो थे ना इसके 24 प्रॉपर्टीज, मतलब कोई एक बंदा नहीं था, उनके आपस में म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट ही हो रही होती थी कि मतलब अब इसको किसने क्या कहते हैं रूल करना है, ठीक है। उस म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए फिर
जो क्राउन था, जो किंग था, उसने इसको बना दिया रॉयल प्रोविंस इन 1702। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना के ऊपर। ठीक है, 1680 की वाकया ही है। अ टोटल ऑफ 8 प्रॉपर्टियर्स, यहाँ पे भी एक बंदा नहीं था। ठीक है, इंग्लिश बिकेम लेजिटिमेट रूलर्स आफ्टर अ ट्रीटी विद स्पेन इन 1676। मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल ग्रेन्स, अ कंसिस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन प्रॉपर्टियर्स एंड सेटलर्स, क्राउन इंटरवीन्ड इन 1729। मतलब देखो, अभी तक हमने जितनी भी ये कॉलोनीज के बारे में पता है ना, इसकी वो जो बिल्डअप हो रहा है ना, वो यही बिल्डअप हो रहा है कि कैसे जो इंग्लैंड का जो क्या कहते हैं किंग होता था, मोनार्क होता था, कैसे वो अपने एक एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है ना कॉलोनीज के ऊपर ला रहा था। ठीक है ना, मतलब शुरू शुरू में तो इन लोगों ने मतलब यहाँ से लोगों को भेजा है। ठीक है ना, वहाँ पे लोग गए हैं, कॉलोनाइज करना शुरू किया है वहाँ पे। ये लोग क्या कहते हैं, इस पहले से शुरू से एक रिसाइडिंग काउंसिल होती थी कॉलोनी के अंदर, जो कि एक अंडर डायरेक्ट कंट्रोल होती थी एक दूसरी रिसाइडिंग काउंसिल के अंदर। इन लोगों ने इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी राइट्स दिए थ्रू कंपनीज, वहाँ पे जाके अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है। लेकिन आहिस्ता 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 जब इनको फील हुआ है ना कि मतलब हम लोगों को अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल उसके ऊपर लाना चाहिए, मतलब इनको जो मेन काम था वो यही था कि सारी की सारी कॉलोनीज जो है ना वो किंग के डायरेक्ट कंट्रोल के नीचे आ जाए। न्यूयॉर्क वॉज कॉल्ड न्यू एम्स्टरडम नॉट इंग्लैंड, आई जस्ट रीचेक पार्डन मी फॉर गेटिंग इट रॉन्ग ड्यूरिंग द लेक्चर। खैर इसी बात नहीं, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ तक अगर किसी कोई सवाल हो तो जरा पूछ लो, मैं ठीक कर लेता। बोलो। नहीं सर, नहीं है। नहीं है कोई सवाल, अगर हो, अगर किसी सर ये अगर हम लोग कॉलोनीज पढ़ते हैं ना, जैसे आपने प्लाइमथ का बताया ना, इसमें पास पेपर्स में 2-3 दफा सवाल आया भाई, मैंने भी चेक किया था। तो सर हमें एकेडमी में कॉलोनीज एज सच पढ़ाई नहीं गई थी, हमें जस्ट बताया था कि कौन से कॉलोनाइजर्स आए थे। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम हर एक कॉलोनी के डिटेल्ड नोट्स बनाएं या नहीं सिर्फ पॉइंटर्स लिख लें तो वो पॉइंटर्स डू द वर्क फॉर अस? पॉइंटर्स लिखो, वो वाले पॉइंटर्स लिखो ना कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने देखो अभी मेरे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, मेरा सिर्फ ये है कि मैंने कॉमास डाले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई इसके साथ थोड़ी बहुत और कोई हल्की फुल्की सी डिटेल हो ना, तो वो उसके साथ तुम लोग लिख लो, कि अगर स्पेसिफिकली 1-2-3 उसके बारे में आते हैं ना, तो आप लोगों के पास इतना मटीरियल हो कि फिर आप अपना जो आंसर है ना, मतलब सेटिस्फेक्ट्री तौर पे जो है ना, मतलब उसको पूरा तरीके से मतलब वो हो सके, क्या कहते हैं, आप उसको आंसर दे सकें। अब ऐसा ना हो कि मतलब आपको ऊपर से तो सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं मतलब बातों को फिर वहाँ पे खींचना मत शुरू कर दो ना, मतलब सही मतलब जो बातें जो है वो वहाँ पे लिखो। जब आपको थोड़ा पता होता है तो फिर आप बातों को है ना क्या कहते हैं मतलब थोड़ा खींचते हो आंसर के अंदर, आंसर की जो लेंथ है वो पूरी हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए पॉइंटर्स भी लिखो, उसके साथ थोड़ी बहुत एक आध जो है ना डिटेल्स ऐसी लिखो जो कि तुम्हें आसानी से याद रहे, जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, ये क्वेकर पे हम आ गए थे। ठीक है, अच्छा, कॉलोनी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये विलियम पेन था, ये क्वेकर्स भी जो थे ये भी इंग्लैंड के कोई क्या कहते हैं इंग्लैंड में पाए जाने वाले कोई लोग थे। ठीक है, दे फाउंडेड दिस कॉलोनी, वर बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन इंग्लैंड, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड था, इन लोगों ने नेटिव्स के साथ ट्रीटी वगैरह की है। ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टरी कॉलोनी रही है अंटिल जॉइनिंग द कॉन्फेडरेशन इन 1776। कॉन्फेडरेशन वो थी जब सारी कॉलोनीज एक साथ मिल गई थी, ठीक है ना, 1776 में जाके, ठीक है, जब इनकी आपस में यूनिटी वगैरह डेवलप हो गई थी। तो मुझे लगता है शायद ये एक वाहिद ही कॉलोनी है जो कि प्रॉपर्टरी कॉलोनी रही है 1776 तक, और जो कि क्या कहते हैं एक रॉयल कॉलोनी में या प्रोविंस में जो क्या कहते हैं रॉयल कॉलोनी में इसको नहीं चेंज किया गया। अच्छा, जो जॉर्जिया कॉलोनी थी फाउंडेड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टू प्रोवाइड रिफ्यूज टू पुअर एंड प्रोसिक्यूटेड प्रोटेस्टेंट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू इरेक्ट अ मिलिट्री बैरियर बिटवीन कैरोलिनास एंड स्पेनिश फ्लोरिडा मेड अ रॉयल कॉलोनी इन 1752 गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन असेंबली गवर्नर सिलेक्टेड बाय द किंग। ठीक है ना, तो ये भी देख लो, बस एक किस्म का एब्सोल्यूट कंट्रोल में ही थी किंग के, लेकिन इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि कैरोलिना और स्पेनिश फ्लोरिडा के दरमियान जो है ना मतलब एक बैरियर हो कि मतलब ना वो उस तरफ आ जा सके, मतलब इस कॉलोनी को थोड़ा सेफ किया गया था। ठीक है, तो ये जो थी ना मतलब एक समरी थी कि कैसे इंग्लैंड ने जो है
डिफरेंट कॉलोनीज को कॉलोनाइज करके अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है ना उसको ऊपर लाने की कोशिश की है और लाई थी, ठीक है ना। तो ये अभी एक सिर्फ बिल्डअप हो रहा है कि मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इन द लॉन्ग रन जब हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अगर टाइम मिल गया इसी लेक्चर में, तो मतलब ये आपको एक वो दे रहा है ना, क्या कहते हैं, एक बैकग्राउंड दे रहा है कि मतलब क्या ऐसी चीजें थी कि क्या कहते हैं कॉलोनाइजेशन किस वजह से हुई है, किन किन लोगों ने की है, कब कब की है, और जो मेन मेन बातें थी, ठीक है ना, कि इंडिविजुअल्स ने किस तरह की है, क्या कहते हैं कंपनीज ने किस तरह की है, ट्रेड एंड कॉमर्स का उनके ऊपर ट्रेड एंड कॉमर्स के उनके एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात थे अपनी मदर कंट्री के साथ, रिलीजन के ऊपर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात आए हैं उसमें, और क्या कहते हैं मतलब इस किस्म के जो इख्तिलाफात वगैरह आपस में इनके हो रहे थे, ठीक है, कैसे एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बनी है। तो होते होते बस मतलब 1700s में जो है ना, मतलब एक तक कहते हैं 13 कॉलोनीज जो थी ना उसके ऊपर इंग्लैंड का एक बड़ा ही डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर किसी को कॉलोनी के हवाले से कोई, जो कॉलोनाइजेशन के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है ना तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स बिहाइंड कॉलोनाइजेशन, कि मतलब कॉलोनाइजेशन हुई तो ठीक लेकिन उसके क्या कहते हैं इतने मतलब फैक्टर्स क्या थे। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक सही, अच्छा द फैक्टर्स बिहाइंड कॉलोनाइजेशन, अच्छा ये फैक्टर्स वगैरह जो है ना ये जरा ठीक से कर लो, ये 5-6-7 पॉइंट्स है, ठीक है, और इससे भी सवाल आता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स, ठीक है, कि जिसकी वजह से कॉलोनाइजेशन की गई थी यूरोपियन पावर्स की तरफ से, तो इससे भी मैंने हाँ सवाल देखा हुआ है, ठीक है, और ये है भी, तो ये थोड़ा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखो, ठीक, चीज़ें इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैंने तो वही सारी चीज़ें की इससे मैं आपको वही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मतलब इस कोर्स का मेन फ़ायदा आप लोगों को कही होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपकी कवर हो जाएंगी, आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद पढ़ना तो आप लोगों ने खुद ही है मतलब, ठीक है ना, आप लोगों ने अपने आप और सारी चीज़ें पढ़नी है, किताब वगैरह पढ़नी है, अपने आप और क्लियर करना, अपने नोट्स वगैरह बना लेना। अच्छा द फैक्टर्स बिहाइंड कॉलोनाइजेशन, अच्छा पहला जो फैक्टर था वो ये था कि प्रेशर जो था ना पॉपुलेशन का वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उसकी वजह ये थी कि तकरीबन कोई 100 मिलियन जो पॉपुलेशन थी यूरोप में, पूरे यूरोप में वो मतलब एक सरप्लस पॉपुलेशन थी, ठीक है, और इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन उस वक्त था वो एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर था तो मतलब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मतलब उनके जो वेज ऑफ प्रोडक्शन थे ना वो क्या कहते हैं मतलब पुराने थे, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं पुराने थे, तो जब पुराने प्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं तो फिर आपको और पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो ना तो आपके पास जो क्या कहते हैं खाने की किल्लत कह सकते हो आप लोग उसको, ठीक है ना, मतलब सरप्लस मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन से ज़्यादा मसले बनते हैं। अब क्या कहते हैं इंग्लैंड अमेरिका जो था वो एक बहुत ही बड़ा लैंड था, ठीक है ना, तो उन लोगों ने तो उस वक्त यूरोपियन पावर्स ने ही सोचा कि हमारे पास मतलब अपने लिए चीज़ों को थोड़ा ईज करने के लिए और मतलब कौन को जाहिर बात है लोग तो चाहिए थे कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके सेटल हों, और वहाँ पे मतलब कल्टिवेटेबल लैंड भी बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, फर्टाइल लैंड भी है, तो मतलब जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं मद्देनजर रखते हुए ना ये एक पूरा एक पॉइंट है कि मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से मतलब आपने हेडिंग दे देनी है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, और उसके नीचे आप लोगों ने ये सारी बातें लिख लेनी है कि 100 मिलियन की पॉपुलेशन थी सरप्लस, और उनका जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर थे, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं थी, अमेरिका में वो लोग जाते हैं उनके पास ज़्यादा वास्ट कल्टिवेटेबल लैंड आता है उसके नीचे, और वहाँ पे जाके मतलब यूरोप में भी पॉपुलेशन कम हो रही थी, वहाँ पे भी उनकी गवर्नेंस अच्छी हो रही थी, और जो लोग वहाँ पे जा रहे थे उनके लिए भी वहाँ पे फ़ायदे ही फ़ायदे थे। तो एक तो आपका जो है ना ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट था ट्रेड विद द ईस्ट, ठीक है, अच्छा इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एशियन गुड्स, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनकरेज टू फाइंड न्यू रूट्स लेड टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ठीक है, अच्छा जो उस वक्त जो थी ना क्या कहते हैं ये एशियन गुड्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो रही थी, ठीक है ना, और वो इस ये हो रहा था कि मतलब एशिया से जो गुड्स आ रहे थे ना वो ज़्यादा मकदार में आ रहे थे, और इनके जो गुड्स थे ना वो हर जगह पे जाके क्या कहते हैं सेल आउट नहीं हो रहे थे, अब बिक रहे नहीं थे, तो वो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो थी ना वो अनफेवरेबल हो गई थी इनके लिए, मतलब एक तरफ से तो मतलब ये एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे इम्पोर्ट इतना नहीं कर रहे थे, तो इनको चाहिए थी एक नई मार्केट भी चाहिए थी जहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जाके इनको वो जाके
एक नई मार्केट को मिल सके, वहाँ पे जाके इनके प्रोडक्ट सेल हो सके, ठीक है ना। और ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में इन लोगों को ये फायदा हुआ कि इन लोगों ने मतलब और नए जो रूट्स है ना वो तलाश करने की कोशिश की है, नई मार्केट्स ढूंढने की कोशिश की है ना। तो उसी की वजह से जो है ना, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलम्बस ने नेविगेट करते करते वो जो है ना जाके उसने अमेरिका की डिस्कवरी कर ली, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी फैक्टर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन में आपकी सेकेंड हेडिंग हो सकती है, ट्रेड विद द ईस्ट। और उसके नीचे आपने पैराग्राफ में या जो भी आप नीचे आप लिखेंगे उसमें आप ये सारी चीजों को थोड़ा इलेबोरेट कर लेंगे। अच्छा, नंबर 3 इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अच्छा, फिर इस वक्त जो है ना वहाँ पे यूरोप में थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो अभी नहीं आया था, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब उसको शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो वेरियस यूरोपियन गुड्स जो है ना उनकी प्रोडक्शन में तो है ना मतलब थोड़ी बहुत एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ना थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है तो आपके पास आपके जो पुराने तरीके होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपके पास नए तरीके आ जाते हैं। तो उसकी वजह से आपके जो गुड्स वगैरह वो ज्यादा मिकदार में बनते हैं। जब ज्यादा मिकदार में बनते हैं मार्केट्स उसी किस्म की होंगी तो फिर तो मतलब फायदा कुछ नहीं है ना, फिर तो आपके वो क्या कहते हैं जाया हो सकता है वो गुड्स। तो अमेरिका जो है ना वो क्या कहते हैं इनके जो सरप्लस गुड्स बन रहे थे, ठीक है ना, जो कि ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है, जो कि ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो अमेरिका ने इनको एक बहुत ही अच्छी एक नई मार्केट इनको मिल गई थी कि ये मतलब वहां से भी मतलब क्या कहते हैं वहां पे जाके सेल आउट कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात। अच्छा, ये सारी देखो चीजें हैं ना, बात सारी एक ही हो रही है, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रेड विद द ईस्ट और पॉपुलेशन कंप्रेशन और डिजायर, सारी बातें जो है ना सारी एक ही है। लेकिन इसको आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स देंगे ना तो फिर मतलब आपको जो आंसर है ना थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अब एक ही चीज में सब कुछ क्या कहते हैं एक ही हेडिंग के अंदर जो है ना सब कुछ मत लिख देना, इसको डिफरेंट हेडिंग्स देना। खैर, अब नीचे थोड़ी बातें सेम टू सेम एक ही जैसी होंगी, मतलब अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करोगे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट दोगे ना तो वो एग्जामिनर को तो लगेगा कि हाँ मतलब इसने वो की हुई अपनी तरफ से, मतलब सही ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, ठीक है। इम्प्रूव नेविगेशनल मेथड्स आए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नई आई हैं, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज वर मेड पॉसिबल विद बेटर मैप्स एंड इम्प्रूव फ्लीट्स, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना ये आपकी एक और हेडिंग है, उसके नीचे आपने इस तरह ये सब कुछ लिखने हैं। अब ये वो मेन मेन बातें, जब आप लोग थोड़ा बुक पढ़ेंगे डिटेल में थोड़े इसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। वो एडिशनल पॉइंट्स जो है ना वो आप लोग अपने साथ लिख लेना, ठीक है ना। फिर बाद में इंशाल्लाह ताला जब पेपर वगैरह होगा ना तो वो आप उसमें एडिशनल पॉइंट्स भी जो है ना इसके साथ आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा, डिजायर फॉर फेब्यूलस वेल्थ, जिस तरह मैंने कहा तो यूरोपियन पावर्स के दरमियान जो थी वो क्या कहते हैं टसल ऑफ पावर शुरू हो गई थी। उन लोगों का उनको पता था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स हमें मिल सकते हैं, सारों को उस सारे इन सारी जो अमेरिकन जो लैंड था ना, ठीक है, इसका जो है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ हिस्सा हर किसी को चाहिए था, ठीक है ना। और इंडिविजुअल्स भी जो थे और चार्टर्ड कंपनीज जो भी जो थी वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगी है कि मतलब हम लोग वहां पे जाके पहुंचे और अपने आप को फायदा दे सकें, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलीजियस फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिलीजियस इनटॉलरेंस इन यूरोप, रिलीजियस फ्रीडम इन अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल, प्यूरिटन्स फाउंडेड द कॉलोनी ऑफ मैसाचुसेट्स बे, मैरीलैंड एंड वर्जीनिया, आल्सो फाउंडेड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। मतलब ये देखें कि आपकी कुछ कॉलोनीज जो है ना वो स्पेसिफिकली जो है ना रिलीजन की वजह से जो है ना क्या कहते हैं कॉलोनाइज की गई थी, ठीक है। तो इस तरह जो है क्या कहते हैं मतलब ये रिलीजियस फैक्टर जो है ना वो आपका ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो था रॉयल पैट्रोनेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द मोनार्क्स, ठीक है, वही बात है कि लॉन्ग लास्टिंग राइवलरी से यूरोपियन पावर्स के दरमियान रॉयल चार्टर्स उनको दिए गए, प्रॉपर्टी राइट्स दी गई, प्रोटेक्शन वाज अकॉर्डेड टू कॉलोनाइजर्स बाय द किंग। मतलब जो उनके किंग्स से रिस्पेक्टिव कंट्रीज के उनके जो किंग्स से रिस्पेक्टिव कंट्रीज वो भी चाहते थे कि मतलब वो भी चाहते थे कि जगह कॉलोनाइज हो, मेन तो उन्हीं का था, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट कंपनीज को अपनी प्रोटेक्शन के अंडर जो है ना मतलब वो दिया क्या कहते हैं एक खुला हाथ दिया कि आप लोग जाओ उधर जाके कॉलोनाइज करो, कोई मसला हो तो हम यहाँ पे हैं, इस किस्म का जो है ना सिस्टम। तो ये जो है क्या कहते हैं मतलब ये हैं ये फैक्टर्स हैं बिहाइंड कॉलोनाइजेशन। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही हेडिंग्स लिखें,
और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम इसी पैटर्न या इसी ऑर्डर में लिखें, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर और सेक्टर्स हो सकते हैं, मुझसे कुछ ना कुछ मिस हो गया हो, ठीक है, आप इसके अंदर वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दो तीन पॉइंट्स को मिला के आप एक पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन ये देख लेना कि जब सवाल आ रहा हो ना तो अगर सिर्फ द फैक्टर्स बिहाइंड कॉलोनाइजेशन लिखा हो ना तो फिर चाहिए ये कि तुम लोग है ना जरा ज्यादा से ज्यादा कहते हैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दे के नहीं है उसको क्या कहते हैं आंसर करो, ठीक है। तो ये जो है इट इज दिस इज ऑल अबाउट कॉलोनाइजेशन। अगर अभी तक कोई सवाल हो किसी भी किस्म का कॉलोनाइजेशन के हवाले से तो वो आप मुझे बता दें, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, आपस में कोई डिस्कशन कर लेते हैं कॉलोनाइजेशन के बारे में। सर ये रिलीजियस फैक्टर जरा दोबारा, अच्छा रिलीजियस, अच्छा ठीक है रिलीजियस फैक्टर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा रिलीजियस फैक्टर देखो इस तरह हुआ था ना कि क्रिश्चियनिटी जो है ना वो थी उस पहले वो एक ही होती थी, ठीक है ना, एक ही मतलब एक ही बस क्रिश्चियंस एक ही होते थे, उसके अंदर दूसरा कोई ग्रुप वगैरह नहीं था। फिर तकरीबन एनलाइटमेंट एक दौर चला था हिस्ट्री में, आप उसके बारे में थोड़ा भी विकिपीडिया में देखें तो आपको डायरेक्ट जो है ना अंदाजा हो जाएगा कि एनलाइटमेंट क्या था। एनलाइटमेंट एक क्या कहते हैं एक पीरियड था, एक एपोक था, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ था कि एक बंदा था उसका नाम मुझे भूल रहे क्या कहते हैं, उसने क्या कहते हैं कि जो उस वक्त की जो रिलीजियस सेरेमनीज थी ना उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया था, उसको क्वेश्चन शुरू कर दिया था। सर मैक्स वेबर था शायद, क्या नाम था, मैक्स वेबर, नहीं मैक्स वेबर नहीं था सर, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का जो जिसने वो किया था। सबर करो मैं देखता हूं, मेरे असल में ये मैंने सब कुछ आईआर में पढ़ा हुआ था, मैंने आईआर रिवाइज नहीं की हुई तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं, और हम ना एक्चुअली मैं यही कह रही हूँ कि ये जो प्रोटेस्टेंट और ये कैथोलिक्स थे इनके दरमियान में क्या हुआ था। अच्छा ठीक है मैम, असल में बेसिकली जो ये प्योरिटन्स सर ने लिखा है ना, ये प्योरिटन्स प्रोटेस्टेंट्स ही थे, लेकिन प्योरिटन्स एक्चुअली कैल्विनिस्ट्स थे जो कि जॉन कैल्विन के फॉलोअर्स थे। इनका बेसिकली बिलीव ये था कि ये कोवेनेंट थियोलॉजी में बिलीव करते थे और ये जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उसके अपोजर्स तो नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे कि उसमें रिफॉर्म आए, जैसे प्योरिस्ट्स होते हैं ना उस तरह से ये प्योरिटन्स भी थे, तो दे वॉन्टेड टू रिवाइव द रोमन कैथोलिक चर्च। और ये बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी के जो मेजर जो आइडियाज थे ना कि जैसे गॉड हैज बिन के गॉड मतलब के गॉड की तरफ से जो हम उतारे गए हैं वो इस तरह से उतारे गए हैं कि सम पीपल आर डेस्टिन्ड टू गो टू हेल एंड सम पीपल आर डेस्टिन्ड टू गो टू हेवन, तो इस इन चीजों पर बेस होता था, और इस चीज पे बेस होता था दैट वर्क इज योर ओनली मतलब वर्क आपका रिलीजन जो है वो इस चीज को एडवोकेट करता है कि द वर्क इज योर ओनली वर्शिप, ठीक है, इफ यू आर डूइंग योर वर्क इन दिस वर्ल्ड मतलब पूरे तरीके से अच्छे तरीके से तो यू आर डेस्टिन्ड टू गो टू हेवन, बट इफ यू आर नॉट पेइंग योर सर्विसेज फॉर द पीपल देन यू आर डेस्टिन्ड टू गो टू हेल। तो प्योरिटन्स और प्रोटेस्टेंट्स सेम सिमिलर थिंग है, इनको कैल्विनिस्ट्स भी कहते हैं। हां ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ठीक बताया। फिर भी ये मतलब आपको एक तो थोड़ा बैकग्राउंड तो मिल गया होगा ना, मतलब देखो उससे काफी उसमें बात की डिटेल में बात की, लेकिन इसका यही है कि मतलब एक क्या कहते हैं एनलाइटमेंट का एक पीरियड चले उसमें यही सब कुछ हुआ है, लोगों ने जो मतलब क्या कहते हैं पहले से जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स थे क्रिश्चियनिटी के उसको क्या कहते हैं क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसके नतीजे में जो है ना जो कंजर्वेटिव थे वो उनको कैथोलिक्स कहा जाता है, और जो लोग रिफॉर्म करना चाहते थे उनको वो प्रोटेस्टेंट्स बन गए। तो क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स की तादाद कम थी ना तो यूरोप के अंदर जो कैथोलिक्स की तादाद ज्यादा थी तो इन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फिर उसकी तो अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है ना, लेकिन मेनली आपको यूएस हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से पता चलना चाहिए कि फिर वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट्स थे जो कि माइनॉरिटी में थे उनको प्रोसिक्यूट करना एग्जीक्यूट करना उनके साथ जुल्म और ज्यादती करना है ना वो करना शुरू कर देता, क्योंकि वो रिफॉर्म चाहते थे तो शायद उन्होंने अपने थोड़े बहुत जो तरीके थे वो जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस थे कैथोलिक्स जो थे उनसे चेंज कर लिए थे, ठीक है ना, तो वहां पे उसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उनको क्या कहते हैं प्रोसिक्यूट कर जो भी क्या कहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादा करना वगैरह शुरू किया, वहां पे उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं था, ठीक है ना, तो अमेरिका वो इसलिए आना चाह रहे थे कि यहाँ पे हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम होगा, यहाँ पे हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा और हम अपने रिलीजन को उस तरह फॉलो करेंगे जिस तरह के हम लोग चाहते हैं। तो जो रिलीजियस फैक्टर है ना वो यही है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस इन यूरोप थी, वो किसके दरमियान थी, कैथोलिक्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर जो है ना ज्यादतियां कर रहे थे, तो इन ज्यादतियों से बचने के लिए जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ना ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो अमेरिका आए कि यहाँ पे उनको रिलीजियस फ्रीडम मिल सके, ठीक है, बात भी समझ आई है, अच्छा ठीक सही है। और कोई सवाल किसी को बताएं,
सर वो एनलाइटनमेंट वाला थिंकर थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक में से तो कोई नहीं है? नहीं यार, अभी मेरे पता नहीं है यार के नोट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं अभी मैं उसके अंदर तो उसका बड़ा ऐसा नाम है कि आसान नाम है, पता नहीं अब मुझसे भूल गया कि उसका क्या। मैं चले ये मैं अगली मैं देख लेता हूँ सबर एनलाइटमेंट। ये जो आप ये थॉमस हॉब्स और इनकी बात कर रही हैं ना, क्या कहते हैं ये तो, हाँ ये तो थे, तो क्या कहते हैं इनकी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज वगैरह जो हैं इन लोगों ने तो उसके ऊपर बड़ा काम किया है। लेकिन ये बात जिसने उठाई थी उसने तकरीबन कोई 96 रिसर्च पेजेस उसके ऊपर लिखे थे, वो नाम मुझसे भूल रहे हैं। तो वो नाम जो है फिर मैं देखूंगा, फिर आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा पूछो यार कोई सवाल वगैरह पूछो कि क्या समझ आई है नहीं आई है क्या, मतलब कुछ भी पूछो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, कोई ऐसी स्टेट से कॉलोनी ना बनाया गया हो अभी तक दुनिया में? क्या हुए, कोई ऐसी स्टेट है जिसे कॉलोनी नहीं बनाया गया सर? जैसे कॉलोनी बनाया गया यार, ऐसी तो बहुत सी स्टेट्स होंगी, मतलब वैसा भी नहीं था कि पूरी की पूरी दुनिया को इन लोगों ने कॉलोनाइज किया हुआ था, ठीक है ना, वैसा भी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब आपको अगर ये पता हो कि जब 19 वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई है ना, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं जब ये क्या कहते हैं लीग ऑफ नेशंस बनी थी, तो उसका एक जो मेन पॉइंट था ना वो यही था कि डीकॉलोनाइजेशन होगी, ठीक है ना, मतलब इतनी कॉलोनाइजेशन थी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नई नई बनी है ना, उसका एक जो मोस्ट मेन काम था वो ये था कि डीकॉलोनाइज किया जाएगा सारी जगह को, मतलब सबसे ज्यादा कॉलोनाइजेशन अफ्रीका में बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन थी, ठीक है। मतलब ये देख लो कितने क्या कहते हैं साउथ एशिया को कॉलोनाइज किया गया, मतलब इस तरह भी नहीं था कि इन लोगों ने पूरी की पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया हुआ था, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह होंगी जिनको कॉलोनाइज जो कि कॉलोनाइज नहीं हुई होंगी, लेकिन ये लोग कॉलोनाइज करते थे, मतलब मोस्ट ऑफ इट जो था ना वो कॉलोनाइज था, मतलब जो मेन मेन जगह थी जो कि इनकी रीच में थी, ठीक है ना, तो वो तो इनके अगर इनको ये कॉलोनाइज कर लेते थे इसको। सर ये एक दफा ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था कि एमसीक्यूज में कि सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जिसे आज तक कॉलोनी नहीं बनाया गया सर, लेकिन वो नीचे 3-4 ऑप्शंस थे, एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, बस ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब मेरा जो जनरल जो आइडिया है वो यही है कि मतलब पूरी दुनिया को कोई तो कॉलोनाइज नहीं। अब हो सकता है आप एक फिर इसके ऊपर रिसर्च कर लेना या कुछ देख लें कि क्या है। अच्छा और कोई सवाल पूछो। अच्छा सर, आई फाउंड दैट पर्सन, सर उसका नाम मार्टिन लूथर था, ही वाज अ जर्मन प्रोफेसर, ही रोट 95 थीसिस। यस सर, बिल्कुल मार्टिन लूथर, ठीक है। अच्छा और कोई, इमरान है, इमरान कोई सवाल है अगर हो तो, मुझे नजर नहीं आ रहे हो। हामिद, हामिद का अगर कोई सवाल हो। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है, नोट्स माशाल्लाह बड़े जबरदस्त है सर, समझ रहे बस, ठीक है, सही है, थैंक यू। अच्छा सर जी, ये जो भाई पूछ रहे थे कि ऐसा कोई स्टेट है जो जिसको अभी तक कॉलोनाइज नहीं किया गया, उसका सर मैंने देखा था तो वो इथियोपिया का कह रहे हैं कि उसको अभी तक कॉलोनाइज नहीं किया गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, इथियोपिया को अभी तक कॉलोनाइज नहीं किया गया, ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल हो, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, ठीक है, एग्जाम के हवाले से सवाल हो या कोई और कोई भी मतलब कॉलोनाइजेशन के हवाले से। हेलो जी, जी सर, जस्ट फैक्टर्स का सवाल आता है कि इसके बिहाइंड मतलब फैक्टर्स क्या थे, तो ये 7 जो हेडिंग्स है ये काफी रहेंगे?
अच्छा देखिए, मैंने शायद इससे पहले भी आपको बताया कि ये सेवन हेडिंग्स तो हाँ काफी रहेंगी, ठीक है ना। मतलब बेन तो कम से कम, मतलब देखें अगर आप सेवन हेडिंग्स, एक तो आपकी हो जाती है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका आ जाता है एक पैराग्राफ, तो आधा पेज तो आपको उस पर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेवन हेडिंग्स देती हैं, ठीक है, तो कितने हो गया, हर हेडिंग के नीचे अगर आप आधा क्या कहते हैं एक पैराग्राफ लिखे, तो इस हिसाब से आप लगा रहे तो आपके चार साढ़े चार पेजेस कंक्लूजन और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ बन जाते हैं। तो मतलब ये सात तो पूरी हैं, अगर आप लोग इसी तरह लिखना चाहते हैं ये सात भी पूरी रहेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी जब जिस वक्त पढ़ो ना, तो जब आप और अभी तो आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ लिया ना, मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन जब आप लोग क्या कहते हैं और पढ़ोगे, हो सकता है आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है आपको कोई सेपरेट कोई पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना, मतलब कोई अपनी कोई हेडिंग मिल जाए। आप लोग देख लो, आप लोग अगर इसका क्या कहते हैं ऑर्डर जो है चेंज करना चाहते हो, आप लोग डायरेक्ट पहले रॉयल पैट्रोनाज लिख सकते हो, दूसरा जो है रिलीजियस फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। इसको तुम लोग अपनी जिस तरह तुम लोगों को ठीक लगे सवाल के हिसाब से, ठीक है ना, इसको तुम लोग उस किस्म की शेप देना। मतलब देखो जो कुछ भी ये जिस उसमें है ना क्या कहते हैं ऑर्डर में है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में आप लोग लिखें। जिस किस्म का सवाल होगा सवाल को पढ़ के देख लो कि मतलब क्या कहते हैं किस, मतलब अगर वो सिर्फ तुमसे रिलीजियस उसके बारे में पूछता है और क्या कहते हैं उसके बारे में पूछता है, क्या कहते हैं ये रॉयल पैट्रोनाज के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना, तो रिलीजन के ऊपर भी फिर तुम्हें तीन चार देख कहते हैं अगर एक हेडिंग देती है उसके नीचे तीन चार, तो तुम्हें फिर सब हेडिंग्स देनी पड़ेंगी। इसी तरह फिर तुम्हें रॉयल पैट्रोनाज के नीचे तीन चार सब हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सवाल को देख के मेन जो फैक्टर्स हैं वो यही है, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ो कि हो सके इसके अंदर तुम लोग कुछ ना कुछ एडिशन कर लो, ठीक है ना। तो ये तो क्या कहते हैं आप फिर डिपेंड करते हैं कि आप फिर इसके साथ आगे कितनी मेहनत करना चाहती हैं। ओके सर, एक बात ये कि जैसे सर आपने जैसे ये कॉमर्स में लिखा है, मतलब ये तो आपने वैसे ही मतलब जॉट डाउन किया है ना, लेकिन अगर टाइम कम हो और हमें लगता हो कि क्वेश्चन रह जाएगा तो इस तरह हम अगर कर ले कॉमर्स में बस थोड़े थोड़े पॉइंट दे दे तो। अच्छा देखो इस तरह है ना कि पेपर की अब तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले तो देखो अपनी सबसे ज्यादा देखो पेपर के दौरान बहुत सी सारी चीजें आती हैं। मैं तुम लोगों को फिर बाद में वो जब हम पेपर्स के ऊपर आएंगे ना उनको डिस्कस करेंगे, तो मैं वो अपना सारा एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो तुम्हें बताऊंगा जो जो सी गलतियां मैंने की और वो तुम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। जो जो मुझे ठीक लगता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये काम इस तरह कर लेना। आफ्ताब भाई से भी पूछो, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें जो हैं आफ्ताब भाई ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ठीक है ना। आफ्ताब भाई से हम लोग पूछेंगे, उनसे भी हम मदद लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों का मेन गोल आखिर में देखो, कोई भी सवाल तुम्हारा कमजोर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब तुम लोगों को पहले से इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि तुम्हारे चार के चार सवाल जो हैं तुम बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से कर सको। अब हाँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है फिर तो आपने कुछ ना कुछ करके अपने आप को बचाना होता है, तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने करना यही है कि आप लोगों की ऐसी तैयारी हो, क्या कहते हैं पढ़ाई भी ऐसी हो और फिर आपकी पेपर प्रैक्टिस भी ऐसी हो कि जब आप पेपर के दिन जाए ना तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके आप इसको एक पूरा एक पैकेज बना के दें, तो जब वो आपका पेपर पढ़े उसको लगे कि हाँ इसने ठीक ठाक मेहनत की हुई यूएसए हिस्ट्री के साथ, इसके सवाल भी बिल्कुल ठीक है, इसको सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका भी आता है, जो जो सवाल में पूछे गए इसने हर हर एक एक चीज को एड्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। Okay, thank you, sir. देखो सर क्वेश्चन कभी तो इस तरह भी होता है कि आपको पेपर में दो सवाल बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, दो जो हैं इतने अच्छे नहीं आ रहे होते। कोई ऐसा भी पेपर होता है जिसमें आपको चार के चार अच्छे आते हैं, कोई ऐसा होता है इसमें आपको एक आध अच्छा आता है, दो क्या कहते हैं एक दूसरा जो होते हैं आपको बहुत क्या कहते हैं बस ठीक सही आता है, ठीक, और एक होता है आपको बिल्कुल नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आपको एक टेक्निक आती हो ना तो फिर वहां पे आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि देखो होते हैं 12 पेपर, एक पेपर नहीं है, ठीक है, 12 पेपर होते हैं, 12 पेपर में हर दिन एक नई कहानी होती है, ठीक है, बल्कि हर एक जो है दो कहानियां होती हैं अगर दो दो पेपर एक दिन में हो रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एक किसी भी पेपर मतलब डिसहार्ट नहीं होना, अगर एक आध दो पेपर बस गुजर गया अगले पेपर के बारे में सोचो, ठीक, अगर थोड़ी बहुत मिस है हो भी जाती है, ठीक है ना। मतलब बंदा जितनी भी तैयारी कर लेना सीएसएस की, जब वो पेपर जब नजदीक आते हो फिर भी यही कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हालांकि सब कुछ
माइंड में बहुत ज्यादा स्टोर होता है, ठीक है। जब आप पेपर करने के लिए बैठते हो ना, फिर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अपनी अपनी नॉलेज को आपने किस तरह मोल्ड करना है पेपर के लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग आराम से फिर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर एक दो सेशन तीन सेशन हम लेंगे। वहां पे अगर तुम लोग सीख गए ना, तो इस तरफ यूएसएससी में तुम्हें काम नहीं आएगा, हर पेपर में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। मैं तो वो चीजें आप लोगों को बता सकूँ जो कि मुझे ठीक लगती है और मैंने खुद की है, और वो चीजें बताऊंगा कि जो मैंने गलतियां की हैं वो आप लोग मत करो, ठीक है। तो बाकी तो फिर बस कामयाबी तो अल्लाह के पास है, तो बस अब हुई, अल्लाह खैर करे बस। अच्छा, तो बस और कुछ नहीं है कॉलोनाइजेशन के बारे में? अच्छा ठीक है, चलो फिर ऐसा। अच्छा क्या करते हो अभी, और क्लास लेनी है पढ़ने और के नहीं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना चाहते हो? नहीं सर, इट्स मोर देन एनफ। अच्छा मोर देन एनफ, अच्छा चलो ठीक है, सही। अच्छा फिर इस तरह काम है, वो तीन जो मैंने वो जो पास पेपर का बताया था, वो आप लोगों ने कर, तो आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? जी सर। अच्छा ठीक है, अब दूसरा काम ये करना है कि मैं तो कहता हूँ कि आप लोग आज से ही है ना, क्या कहते हैं, रीडिंग इसकी शुरू कर लो, ठीक है ना। रीडिंग शुरू करने से ये होगा कि अगर आप लोग, हम लोग हमारी एक क्लास होगी इंशाल्लाह ताला कल होगी, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ लेंगे। फिर सैटरडे संडे को क्लास नहीं लूंगा मैं, उसमें मैंने तकरीबन अभी तक चुकी है 6 टॉपिक्स आप लोग तैयार किए हुए हैं, और 5-6 जो हैं बाकी के मैं आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 दिन है ना, इसमें तुम लोग रीडिंग कर लो, ठीक है ना। इन 3-4 इसमें ये फायदा, इसमें हमारा बहुत सबक करो सेजेंट। अच्छा किसी और ने कुछ भेजा। अच्छा इसमें ये फायदा होगा कि एक तो आप लोग थोड़ा मुझसे आगे भी चले जाओगे, आप लोगों को एक वो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है ना वो भी मिल जाएगी, ठीक है। जब हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे ना, जब इससे आगे फिर जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, तो ये एक फायदा बहुत बड़ा हो जाएगा। एक आप लोगों ने चीज फिर से पढ़ी हुई होगी, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, फिर डिस्कशन हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है आप लोग थोड़े अपने नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों के आप दिमाग में जो है ना बातें जो है ना थोड़ी बैठ जाएंगी ठीक तरीके से। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी कल तो एक क्लास हो जाएगी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाली, ठीक है ना, और उसके साथ अगर एक और कोई आध टॉपिक हो गया तो हो गया, ठीक है। और संडे मंडे को फिर हम लोग अपनी अलग क्लास लेंगे, अगर हो सके तो एक या दो सेशन लेंगे, ठीक है। और तब तक तुम लोग है ना जरा, अगर इतनी रीडिंग नहीं भी कर सकते और भी तुम लोग काम चल रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन तकरीबन अगर मैं कहता हूँ कि अगर आधी यूएस हिस्ट्री भी तुम लोग पढ़ लो ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सब्र करो। माजुमदार में जो है दो इसके वो है ना, क्या कहते हैं, एक तो है ये रोड टू सिविल वॉर 249 से लेके 264 तक, 264 पेजेस तक अगर तुम लोग पढ़ लो और बुक के अंदर ही अपने लिए हाईलाइटिंग कर लो ना संडे तक, तो बहुत बड़ा काम कर लोगे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे तुम लोग। तो ये काम अगर कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पास पेपर के एनालिसिस जो है ना वो जरूर करना है। और अगर कहते हो तो मैं वो वाली फाइल खोल लेता हूँ, उसमें जो मेरी जो मेथडोलॉजी जो मुझे मेरे सर ने दी हुई है, अगर वो तुम लोग अपने साथ नोट करते हो ना तो वो नोट कर लो, उसके बाद फिर तुम लोग उसके आगे लिख सकते हो कि हाँ इससे सवाल इस ईयर में आया हुआ है, इससे सवाल इस किस्म का आया हुआ है, तो वो सब कुछ तुम लोग अपने लिए एक फाइल बना लोगे। तो अगर इस तरह करते हो तो मैं वो खोल लेता हूँ, वो तुम लोग लिख लो अपने साथ। जी सर। बात समझ नहीं आई, अगर किसी को बात की समझ नहीं आई तो बताओ। नहीं ये बताओ कि तुम लोग ये रीडिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम लोगों के और भी सब्जेक्ट साथ साथ में चल रहे होंगे ना, तो ये जरा मुझे बता दो। सर व्हाई नॉट सर, हम ट्राई कर लेंगे जितना हो सकता है सर। ठीक है मतलब ट्राई करो, लेकिन जरा ठीक तरीके से ट्राई करो, ठीक है ना, कि मतलब अगर इतना जितना ज्यादा पढ़ लोगे ना उतनी ज्यादा आसानी होगी। इसमें फायदा ये होगा, जो चीजें मैंने नहीं पढ़ी मैं भी तुम लोगों से पूछ सकूंगा इसमें क्या हुआ था। ठीक है सर, ये बुक आपके पास सॉफ्ट में मौजूद है या किसी के पास है तो बहुत बेहतर रहेगा। मुझे तो पता नहीं है, मेरे पास सॉफ्ट में मौजूद नहीं है सर। हमें रिकॉर्डिंग ऑफ कर देनी चाहिए जनरल डिस्कशंस के लिए सर, कि जस्ट उसमें कोर्स वाली बातें आ जाए। ठीक है।